ओके सो गाइस, आज अपन देखने वाले हैं कि कैसे इस क्यूट से टॉकिंग टॉम ने बचपन में एक नॉर्मल सा बिल्ला होने से लेकर इतना फेमस वाई टॉकिंग टॉम बना और फिर कैसे काटे उसने अपनी जिंदगी के 99 इयर्स। चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। तो गाइस स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। ये एक नॉर्मल सा प्यारा सा एक बिल्ला था जिसे एक मालिक की जरूरत थी गाइस, और ये चाहता था कि कोई इस बेचारे को अडॉप्ट कर ले, लेकिन बहुत दिन हो गए थे और इसे अडॉप्ट करने के लिए कोई नहीं मिल रहा था। तो गाइस एक दिन ऐसे एक बहुत बड़े मैंशन में काफी बड़ा आदमी रहता था, तो वो नीचे देख ही रहा था अपने विंडो से, लेकिन उसे वहाँ पे हमारा टॉकिंग टॉम मिल गया। और गाइस उसने सोचा कि उसे अडॉप्ट कर लेता हूँ, और फिर गाइस उसने अपने साथ इसको अडॉप्ट करने की सोची, और फिर गाइस उसने डिसीजन बना लिया था कि वो इसको अडॉप्ट करने वाला है गाइस। और फिर क्या, इसने उसे अडॉप्ट कर लिया और हमारा टॉम काफी खुश था, और फिर इसने बोला कि चलो घर। और गाइस फिर ये दोनों इसके घर जाते हैं, लेकिन गाइस यहाँ से कहानी थोड़ी सी दिलचस्प होती है, क्योंकि इसे घर जाने के बाद टॉम से कोई मिलने वाला था। उसके बाद गाइस ये टॉम को लेके अपने बीच वाले मैंशन पे आ गया जो कि एक आइलैंड पे था। गाइस मतलब यहाँ पे आने के लिए आपको प्रॉपर एक यैट लगेगी, उसके बाद आपको बोट से आना पड़ेगा, उसके बाद गाइस अगर वापस आया तो हेलीकॉप्टर वगैरह रखी है। पता नहीं ये ऐसे मैंशन पे लेके अब टॉम को क्यों आया। और फिर गाइस यहाँ इन्हें मिले इसके बेटे से। गाइस ये टॉम को अपने बेटे को गिफ्ट करने के लिए आया था। अरे पापा क्या करती। और फिर इसने टॉम को गिफ्ट दे दिया अपने बेटे को, और फिर ये वापस यैट में बैठ के चला गया गाइस। लेकिन गाइस टॉम अभी भी खुश था, क्योंकि वो पहले सड़क पे रह रहा था और अभी कम से कम वो सड़क से अच्छा एक बड़े से घर पे रहेगा। लेकिन हाँ वो थोड़ा सा तो डरा हुआ था, क्योंकि ये अजीब सी जगह थी और नॉर्मल सोसाइटी से बहुत ही दूर थी, और यहाँ पे आने जाने का भी कोई रास्ता नहीं था, तो मतलब टॉम को यही रहना था। लेकिन गाइस थोड़ी देर में इसने टॉम को बंद कर दिया, मतलब टॉम यहाँ आराम से बैठा हुआ था और इसने टॉम को बंद कर दिया। भाई पता नहीं ये उसे पेट की जैसे रख रहा है, मतलब जैसे लोग बंद करके रखते हैं वैसे ही। और गाइस उसके बाद ये वहां से चला गया, मतलब ये लिटरली अपने हेलीकॉप्टर पे बैठा और उसे वहां पे छोड़ के निकल लिया गाइस। मतलब इतने बड़े मैंशन पे वो बेचारा अकेला, वहां पे कोई भी नहीं है, वो कैसे रहेगा। और उसे बंद भी कर दिया गया और यहां से चला गया गाइस। और टॉम बहुत ज्यादा डर चुका था, और अभी तो फिलहाल दिन है। फिर गाइस धीरे धीरे समय बीतता गया और प्रॉपर रात हो गई, और गाइस रात होने के बाद यहाँ पे लाइट तो थी, लेकिन माहौल उसके बाद भी काफी ज्यादा डरावना सा लग रहा था। लेकिन गाइस यहाँ पे एक माली था जो कि थोड़ा बहुत दयालु लग रहा था, तो उसने क्या किया, उसने टॉम को थोड़ा बहुत रेस्ट देने के लिए उसके गेट को जाकर खोल दिया और उससे बोला कि सोफे में लेट जाओ, फिर वापस आ जाना जब तक मालिक आते हैं। तो गाइस टॉम ने इसकी बात सुन के वहां से टॉम निकल गया, और भाई खड़े रह के उसका बहुत ज्यादा पैर दुख गया था। तो फिर टॉम आराम से सोफे में सो गया, और फिर गाइस वो माली भी वहां चला गया क्योंकि उसका भी समय हो गया था, और वो भी जाके सो जाता है। और गाइस तभी वो उसका बेटा वापस आ जाता है, लेकिन गाइस इस बार वो वापस अकेले नहीं आता है भाई, अपने कुछ दोस्तों को लेके आता है, और इनका गाइस रात भर पार्टी करने का प्लान रहता है, और वैसे भी रात के 4-5 बजे हुए थे, सुबह ही हो गई थी। और फिर गाइस ये लोग अंदर जाते हैं, लेकिन वहां पे टॉम अभी भी सोया रहता है। और गाइस जैसे ये देखता है कि टॉम जेल के बाहर है, ये गुस्से से बावला हो जाता है भाई, मतलब उसको सोने भी नहीं देता है, और गाइस ये तुरंत उसे उठा देता है। गाइस फिर टॉम को बहुत गुस्सा आता है, तो वो अपने बचाव में इसे मारने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन गाइस अब आपको पता है बेचारा वो छोटा सा रहता है और ये इतना बड़ा हट्टा कट्टा बंदा, तो गाइस ये टॉम को मार के बेहोश कर देता है और वापस जेल पे डाल देता है, और जेल पे डाल पे बंद कर देता है। और गाइस पता नहीं ये टॉम को रख क्यों रहा है जब इसे टॉम पसंद नहीं है तो। और फिर गाइस देखते ही देखते वापस से सुबह हो जाती है, और ये बंदे पार्टी ही करते रहते हैं तब तक भी। और गाइस जैसे सुबह होती है वापस वहां से चला जाता है, भाई पता नहीं ये कर क्या रहा था। लेकिन गाइस और गाइस उसे फिर एक घर से दूसरे घर, दूसरे तीसरे, बस ऐसे ही करते हैं, लेकिन समझ नहीं आया कि इसे क्यों कर रहे थे। फिर एक दिन गाइस इसके काफी सारे दोस्त है, और गाइस उन सबको ये पेट बहुत पसंद आया, और फिर आपको याद होगा कि गिटार बजाता है, तो इसे फोर्सफुली गिटार बजाने को कहा गया, और गाइस जब ये मना किया तो ये अंदर जाके खुद इसे बत्ती दे रहा था। फिर गाइस ये मजबूरन वापस अपने आप को बचाने की कोशिश किया, बट गाइस जैसा कि आपको पता है इसको एंड पे मजबूरी में गाइस अपना मन मार के गिटार बजाना ही पड़ा, और गाइस इसके जितने भी दोस्त थे काफी ज्यादा खुश हो गए, क्योंकि किसी के पास भी ऐसा पेट नहीं था, हालांकि सब बहुत अमीर थे, कि गाइस ये पेट था ही इतना अतरंगी। लेकिन गाइस अब बहुत हो चुका था, मतलब अब टॉम भी समझ गया था कि ऐसे तो नहीं चलेगा भाई। फिर गाइस उस दिन जैसे ही रात हुई सब वहां से चले गए, और अब ये जो गेट था ये भी खुला हुआ था। गाइस पता नहीं उसने गेट क्यों खुला था, लेकिन वो वहीं पर था। और गाइस अब टॉम ने प्रॉपर प्लानिंग कर ली थी कि या तो ये इसे बदला लेके भागेगा, या तो ये चुपचाप भागेगा, बस भागेगा गाइस, अब ये और यहाँ नहीं रह सकता था, तो इसने सोचा कि बदला लेता हूँ। लेकिन फिर ये थोड़ा डर गया और फिर ये वहां से भाग गया, लेकिन ये एक दिन बदला लेने जरूर आएगा गाइस, ऐसा सोच के यहाँ से निकल जाता है। हालांकि इसे ढंग से स्विमिंग नहीं आती थी, फिर भी गाइस जैसे भी पानी में कूद जाता है और बस यहाँ से हाथ पैर चला के भागने लगता है। बट इसने ये रियलाइज नहीं किया कि ये पानी बहुत ज्यादा लंबा है अगर इसे यहाँ तक पहुँचना है तो। लेकिन फिर भी गाइस कुछ घंटों में ये धीरे धीरे करके आगे आया
आया और गाइज ऑलमोस्ट ये पहुंचने ही वाला था। और फिर गाइज ये एंड तक पहुंच जाता है, लेकिन तब तक भाई सुबह हो जाती है और ये फुल पानी में भीगा हुआ गीला ठंडा भाई ठंड से छुटता रहता है और यहाँ पे आग जलती रहती है। तो गाइज ये आराम से आके यहाँ पे आग सेकता रहता है और यहाँ पे कुछ एक्चुअल अच्छे लोग रहते हैं गाइज, तो वो इसे खाना देते हैं। फिर आराम से टॉम बैठ के खाना खा लेता है, लेकिन गाइज खाना वाना खाने के बाद वो बंदा वहां से निकलता है। और गाइज अभी तो ये पूरे 5 साल का रहता है, लेकिन जल्दी जब ये 20 साल या फिर 15 या कुछ भी 20 के आसपास पहुंचता है तो गाइज इसे एक्चुअली एक पावर मिलने वाली रहती है, बट उसे अभी ये कुछ नहीं पता रहता है। लेकिन गाइज इसे बदला लेना बहुत जरूरी रहता है, तो ये कैसे भी करके यहाँ से कुछ चोरी वोरी करके गाइज निकलता है और अब ये अपनी खोज में चला जाता है। गाइज ये अपने आप को पहचानने निकलता है कि ये कौन है, ये क्या करता है, ये कहाँ रहता है, अपने बारे में हर चीज से जानना रहता है, इसे कुछ नहीं पता रहता है। और फिर ये भी सोचता है कि इतने सारे लोग इसे देखने क्यों आ रहे थे, आखिर इसके अंदर क्या ऐसी खास बात है। जैसे तैसे करके तो ये बाइक चलाता है गाइस फिर कुछ घंटों बाद, लेकिन गाइस काफी समय गाड़ी चलाने के बाद इसे रियलाइज होता है कि अपनी एक्चुअल पावर ये पा सकता है। और गाइस उस एक्चुअल पावर को पाने के लिए इसे कुछ चैलेंजेस करने पड़ेंगे। सबसे पहला इसके सामने एक पार्कर चैलेंज, अगर इसे कर लेता है तो ये अपग्रेड हो जाएगा अपने सेकंड रूप में। और गाइस अगर ये वहां पहुंच गया इसका मतलब ये बहुत कुछ कर सकता है। तो गाइस यहां से इसका चैलेंज स्टार्ट होता है, देखते हैं गाइस ये कर पाता है या नहीं। तुम तो देखोगे ये करेगा या नहीं। वेल गाइस वो स्टार्ट उल्टा कर रहा था तो अभी इसने सीधा स्टार्ट किया। अभी यहाँ से देखते हैं कि क्या होता है ये। उल्टा सीधा छोड़ो या तो गिर गया भैया। अरे चौप मैं ये सोच रहा था कि तू इतने देर तक चुप कैसे बैठा हुआ था। मैं भी यही सोच रहा था कि मैं इतने देर तक चुप कैसे बैठा हुआ था, लेकिन ये बिल्ला तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है मुझे। गाइस अगर आपको भी ये बिल्ला सही लग रहा है, आई मीन हमारा टॉम, तो गाइस एक लाइक तो बनता है यार, मतलब टॉम के लिए कर दो। और गाइस अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दो। भाई टॉम तूने सब्सक्राइब तो किया है ना। मैं यहाँ से बचूंगा, उसके बाद यहाँ पे जाके जरूर सब्सक्राइब करूंगा। दोस्तों आप भी कर दो। ओ भाई गाइस टॉम ने बोल दिया आपको सब्सक्राइब करना चाहिए। टॉम सब्सक्राइब तब करेगा जब वो जिंदा बचेगा। अरे वही तो गाइस, तो अगर आप अभी बचे हुए तो एक सब्सक्राइब तो बनता है भाई। एक मिनट मैं ये सोच रहा हूँ गाइस कि ए भाई गया गया गया। गाइस देखो टॉम को उसकी असली शक्ति अभी तक नहीं मिली, मतलब उसका एक हीरो रूप भी होता है जो हीरो टॉकिंग टॉम करके रहता है, उसे अभी ये वाला रूप नहीं मिला है। लेकिन गाइस मैं सोच रहा हूँ जब वो हीरो रूप मिल जाएगा तो क्या वो बदला लेगा या वो बदला नहीं लेगा, उसे जाने देगा, मतलब वो क्या करेगा, मुझे जानना है। जानने का तो बस एक ही तरीका है मेरे दोस्त, या तो तुम्हें थोड़ा वेट करना पड़ेगा या फिर तुम्हें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अरे वाह ये तो दो तरीके थे चौप, बहुत ही बढ़िया तरीका बताया तूने मुझे। चौप है ही इतना खास। अरे चुप रहे यार भाई, थोड़ी देर रुकूंगा तो मेरे को पता चल ही जाएगा, लेकिन फिर भी मेरे को क्यूरियोसिटी हो रही है। ओ भाई गाइस वेल देखा जाए तो ये चैलेंज उतना इजी नहीं है जितना दिख रहा है। मेरे को तो इजी भी नहीं दिख रहा है भाई, मतलब इतने सारे लोहा लक्कड़ की चीजें है, इस पे कैसे इंसान चढ़ेगा। वही तो, ये इंसान नहीं है, बिल्ला है भाई बिल्ला। मतलब देखो मैं तो डॉगी हूँ लेकिन मैं ये सब ना ही कर पाऊंगा। अरे भाई तू देखा नहीं है क्या, बिल्ला बिल्ली कहाँ चढ़ जाते हैं भाई, दीवार में चढ़ जाते हैं, इधर उधर कूद लेते हैं, और डॉगी तो जमीन पे ही रहते हैं ना। अरे हाँ ये बात भी तो है। वैसे भी सबको जमीन से जुड़े रहना चाहिए, ज्यादा हवा में उड़ना ना ही चाहिए। अरे भाई से बस गाइस कुछ नहीं, बस इसे ना मुहावरे शायरी कविता बोलने का मौका दे दो। ओ भाई गया गया। मुझे मौका दो मत, मैं मौका बना लूंगा। अच्छा ठीक है। ओ भाई कर लिया बंदे ने। रुक जा ओ भाई रुक जा। ओके बहुत ही बढ़िया जंप, लेकिन अगला जंप कैसे करेगा ये। जैसे पहला जंप किया और कैसे। अरे 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 अरे, अरे भाई दोनों अपोजिट है। ओ भाई साहब गाइस क्या ही जंप किया है बंदे ने। मुझे लगता है गया। नहीं ठीक है, थोड़ा बहुत गलती ऊपर नीचे बनता है, लेकिन गाइस जंप बहुत बेहतरीन था। लेकिन अभी देखते हैं क्या करता है। ओके पहुंच गया। लेकिन गाइस एक बात तो अभी भी है कि ये सुपर हीरो वाले अपने मोड में जब आएगा तो भाई क्या करेगा भाई, ये तो देखना बनता है। तुम चुपचाप देखते रहो ना तो देखना बनेगा, नहीं तो पड़ेगा। अच्छा क्या पड़ेगा मेरे को, I mean, तुम्हें देखना पड़ेगा और क्या पड़ेगा। हाँ बेटा आजकल ना मैं तुझे थोड़ी सी छूट क्या दे दिया हूँ, तू ना मतलब कुछ भी बोले जा रहा है। ओ भाई ओके बच गया कहीं इतना पतला नहीं। ओके ठीक है भाई, इसको देख के मेरे को डर लग रहा है, इतना सा है, ये गिरेगा तो क्या होगा। जब वो गिरेगा तो पता चल जाएगा। अरे यार चौप तू चौप। ओ भाई ग्रेट जंप। तुम इसे अगर ग्रेट जंप नहीं बोलते तो ना ही गिरता। अरे गया बेचारा। नहीं ठीक है मतलब ओके लास्ट जंप है भाई, गिरना नहीं।
अरे भाई पैराशूट क्यों खोला? क्यों 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 क्यों? ओ भाई सही है सही है सही है। ओ भाई गिर के भी सही जगह आ गया भाई, ये होता है ना। हाँ ये तो गिरा हुआ भी सही है, वही तो। और एक तू है जो कि गलत भी और गिरा भी हुआ है। हाँ बेइज्जती ना करो। चल ठीक है। ओ गाइस कुछ तो हो रहा है, कुछ तो हो रहा है। ओके ओके वेट वेट वेट, क्या हो रहा है क्या हो रहा है भाई? समझ तो कुछ नहीं आ रहा है। हाँ लेकिन देखने में बढ़िया लग रहा है। ओके गाइस लेट्स गो। वेट व्हाट? ओ भाई गाइस ये अपने सुपर हीरो रूप में आ चुका है, अब शायद ये जाके उससे बदला लेगा। गाइस देखते हैं इसकी पावर्स। ओ भाई 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 सही है। ओ अब ये उड़ सकता है। वेट व्हाट गाइस? ओके ओके ओके, इसने ढंग से तो नहीं सीखा है लेकिन ठीक है, अब ये उड़ सकता है। और क्या कर सकता है, जरा देखते हैं भाई अब ये बदला। ओ गाइस सुपर रन भी है इस पे। ओ भाई सुपर जंप भी है इस पे। गाइस बंदे पे क्या ही पावर आ चुकी है। गाइस इसकी जंप एबिलिटी देखते हैं, कितना जंप सकता है, कितना। ओ भाई साहब कहीं इसके अंदर सबकी पावर तो ना ही आ गई है भाई। अब ये जा रहा है। ओ गाइस ये जा रहा है, याद करो पानी पे ही तो था उसका आइलैंड। ओके गाइस लगता है अब वो बंदा बचने नहीं वाला है। गाइस ये देखो ये पानी में आराम से चल सकता है, इसकी सांस भी नहीं फूलेगी और कुछ भी नहीं होगा। मतलब भाई बंदे पे जो सुपर हीरो पावर है ना वो बहुत तगड़ी आ चुकी है, और अब इसे जाके बदला लेना है। देखते हैं गाइस ये कैसे जाके बदला लेता है। तो गाइस अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको याद होगा कि वो जो बंदे थे उनका जो घर था वो कहीं और नहीं भाई पानी के बीचों बीच में था। और अगर आप देखो तो हमारा टॉम उस घर पे आ चुका है, लेकिन गाइस यहाँ पे इनके तीन घर है और तीनों में से किसी एक में वो भाई वो मालिक होगा जिसने टॉम से काफी बुरा सलूक किया था। देखते हैं टॉम उसे खोज पाता है या नहीं, और फिर खोजने के बाद वो क्या करता है। तो गाइस पहले तो वो उस घर पे जाके देख रहा है। ओके भाई तो कृषि बन जा रहा है। ओ भाई गाइस ये वाले सही घर पे तो आ गया, लेट्स सी क्या होता है। ओके 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 गाइस इसे वो बंदे मिल गए, लेकिन गाइस अगर अभी आप देखो तो यहाँ पे वो अपने बॉडीगार्ड्स के साथ खड़ा है, और टॉकिंग टॉम के लिए उसके बॉडीगार्ड्स को हराना और साथ में उसको भी हराना थोड़ा सा कठिन होगा। तो देखते हैं ये आखिर करता क्या है। लेकिन गाइस कुछ भी बोलो इस पे दिमाग तो आ गया है, और गाइस क्योंकि इसके पास थोड़ी बहुत पावर्स भी बची है तो ये देखो कुछ तो कुछ कर रहा है यहाँ पे। ओके ओके ओ भाई ओ भाई ओ भाई गाइस इस पे गुस्सा भी काफी ज्यादा है, लेकिन देखते हैं क्या सच में लाइक एक्चुअली में ये जाके उस बंदे को मार सकता है। क्या करेगा कैसे बदला लेगा वो तो पता करना पड़ेगा। गाइस लेट्स सी क्या होता है। ओ भाई अपनी सुपर पावर का यूज कर रहा है। ओके 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 गाइस ये आ चुका है यहाँ तक, देखते हैं क्या होता है। अभी तक किसी को पता नहीं चला और ये इतना तेज है। लेट्स सी लेट्स सी। ओ भाई वेट व्हाट भाई एक मिनट, ये मैं क्या देख रहा हूँ ये। ओके व्हाट? ओ भाई साहब इसने तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक बदला ले लिया है गाइस। भाई मेरे को पता नहीं था कि टॉम के मुंह से आग निकल सकती है भाई। गाइस ये बहुत खतरनाक बदला था, लेकिन गाइस आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी कि जब टॉकिंग टॉम रोड पे खड़ा हुआ था तो वहां से उसे जिसने अडॉप्ट किया था वो कोई और नहीं, ये जो बंदा मरा ना इसका पापा था। तो देखते हैं अब इसके पापा क्या करते हैं। और गाइस अभी फिलहाल तो टॉकिंग टॉम उड़ उड़ के कहीं पे निकल रहा है, लेकिन एक बार जब उसके डैड को पता चलेगा कि एक्चुअली में टॉकिंग टॉम ने उसे मारा है उसके बेटे को, तो देखते हैं फिर वो कैसा बदला लेता है। ओके गाइस तो यहाँ पे वो बंदा आ चुका है जिसने टॉम को एक्चुअली में अडॉप्ट किया था जो कि उसके डैड होते हैं, लेकिन अभी देखते हैं कि सीन क्या होता है। गाइस फिर से डैड उसे देखते हैं और फिर उन्हें पता चल जाता है कि इसका बेटा जल चुका है, लेकिन ये समझ नहीं आता है कि एक्चुअल में किसने जलाया, क्या सीन हुआ, क्या था, कुछ भी पता नहीं रहता है। लेकिन गाइस सबसे बड़ी दिक्कत की बात यहाँ पे लगा है सीसीटीवी कैमरा, और गाइस इस कैमरा की मदद से सारा का सारा फुटेज ये लोग देख लेंगे और ये पता चल जाएगा कि हुआ क्या था गाइस। और उसी बीच में ना टॉम की एक बंदे से दोस्ती हो जाती है। एक्चुअली में ये कोई और नहीं, एक काइंड ऑफ साइंटिस्ट होता है जो कि बिल्लों पे अलग अलग टाइप की रिसर्च करता होता है। तो इसने एक बार टॉम की सुपर पावर देखी और उसने जैसे जैसे तो टॉम को अप्रोच किया, और गाइस टॉम को भी शायद लगा कि ये ठीक ठाक बंदा है, अब ये बंदा ठीक है या नहीं वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन अभी फिलहाल टॉम और इसकी दोस्ती हो चुकी है। और गाइस टॉम ने इसको क्या बताया, अगर आपको वो बात पता चलेगी तो आप भी सोचोगे भाई क्या ही सीन हो गया है। गाइस मैंने सुना है टॉम को ये बोलते हुए कि भाई वो जो आग निकली ना इसके मुंह से, इसे पता भी नहीं था कि वो इसकी एक सुपर पावर है, इसने बस थोड़ी सी शक्ति लगाई और गलती से वो आग निकल गई, और वो बंदा जो जिसे ये बदला लेने गया था ये सिर्फ चाहता था कि वो उसे एक दो पंच वंच मार के वहां से भाग जाए, लेकिन गाइस गलती से इसके मुंह से आग निकल गई और फिर वो बंदा ही निपट गया। मतलब गाइस टॉम ये चाहता ही नहीं था कि ऐसा हो। गाइस अब टॉम को काफी ज्यादा दुख हो रहा है, गिल्ट हो रहा है, और ऊपर से उसके डैड गाइस वो इसके पीछे पड़े हुए हैं। अब देखते हैं आगे होता क्या है गाइस, मतलब समझ तो आ नहीं रहा है कि क्या होगा, पर अभी फिलहाल आप ये सोच रहे हो कि टॉम जा कहां रहा है। तो गाइस इसका ये जो दोस्त बना ना नया ना, ये इसने एक एडवाइस दिया टॉम को कि ये शहर छोड़ के कहीं दूर चल जाना चाहिए टॉम को, ताकि अगर कोई उसे खोजने भी निकलता है तो एटलीस्ट काफी टाइम लगे उसे खोजने में या फिर टॉम उन्हें नहीं मिल पाए। तो गाइस वैसे तो एडवाइस ठीक ठाक ही लग रही है, दूसरे शहर जाने की एडवाइस ज्यादा बुरी है नहीं, पर देखते हैं क्या टॉम एक्चुअली में शहर से निकल पाता है सेफली, क्या होता है लेट्स सी। तो गाइस फाइनली टॉम एयरपोर्ट पहुंच गया, यहां पे उसकी जेट भी आ चुकी है जो कि गाइस ऐसी वैसी जेट
जेट नहीं है, इसलिए सीधा फाइटर जेट में जाएगा, क्योंकि गाइस अगर बीच फ्लाइट में कोई अटैक होता है तो कम से कम फाइटर जेट से एटलीस्ट चाहे तो फाइट तो हो सकती है। तो अब यहाँ पे टॉम का पूरा प्लान है वो ठीक चल रहा है, कामयाब चल रहा है, लेकिन लेट सी गाइस कि होता क्या है सीन। अब जा रहा है टॉम अपने जेट पे, तो गाइस फाइनली जेट का जुगाड़ हो जाता है और टॉम यहाँ से एक्चुअली में आराम से यहाँ से निकलता है। और गाइस अब यहाँ से कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहती है, जैसे ही टॉम यहाँ से निकलेगा सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और फिर क्या गाइस टॉम यहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो देखता है कि भाई यहाँ पे सामने पे बंदे खड़े हैं पूरे, और वो कोई और नहीं है गाइस, भाई ये उसके डैड ही है, इसने अपनी पूरी गैंग लेके आ गई है। और गाइस तभी सब खत्म। और फिर गाइज ये लोग उठाते हैं टॉम को और वहां से निकलने के लिए स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि गाइज वो एक फाइटर जेट में था तो टॉम सिर्फ और सिर्फ बेहोश हुआ था, वो मरा नहीं था, क्योंकि गाइज फाइटर जेट फूटी नहीं। और फिर जो इसका दूसरा बंदा था जो बेहोश हुआ था, इसने क्या किया, उसके पैर में गाड़ी चला दी गाइज, और उसका पैर एक्चुअली में पूरा फ्रैक्चर हो जाएगा जब तक वो उठेगा। मतलब गाइज इतनी भारी गाड़ी अगर चढ़ेगी तो और क्या होगा। लेकिन गाइज मैं ये सोच रहा हूँ कि इसने टॉम को आखिर मारा क्यों नहीं, आखिर इसका ऐसा क्या प्लान है और सारे बंदे अंदर खतरनाक भरे हुए हैं। लेकिन लेट्स सी गाइज ये लोग का एक्चुअल प्लान क्या है और ये लोग टॉम के साथ एक्चुअली में क्या करना चाहते हैं। गाइस देख के तो ऐसा लग रहा है कुछ बहुत ही खतरनाक होगा। मुझे भी देख के बड़ा डर लग रहा है भाई, टॉम जैसा भी मेरा कंपटीशन हो, लेकिन मैं उसके लिए बुरा नहीं चाहता हूँ। एक मिनट चौप भाई, अगर तू से कंपटीशन समझता है तो ठीक है, पर टॉम और तेरा कोई कॉम्पिटिशन नहीं है भाई। तुम्हें जो समझना है और बोलना है बोल लो, बट आई केयर फॉर टॉम, मैं उसका भला चाहता हूँ भैया। अच्छा ठीक है भाई, सभी उसका भला चाहते हैं, लेकिन चौप तू इतना सीरियस ना हो। लेकिन गाइस अभी फिलहाल किसी को शक भी नहीं हुआ है कि लोग एक्चुअली में टॉम को किडनैप करके लेके जा रहे हैं, बट लेट्स सी ये कितने दूर लेके जाते हैं। ओ भाई गाइस ये लोग कहीं सीक्रेट बेस जैसी जगह पे आ गए। ओ भाई ये कैसी जगह है। ओके लेकिन ये लोग यहाँ पे अभी रुक नहीं रहे, तो देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। तो गाइस फाइनली ये लोग एक जगह पे रुक गए और वो कोई और नहीं है भाई, वो ट्रेन की पटरी है। इसका मतलब यहाँ पे ट्रेन आ सकती है और ये बंदा बेहोश है, ठीक है। मतलब अगर आप देखो तो टॉम अभी भी निपटा नहीं है, बेहोश है, हल्का हल्का हिल रहा है। देखो गाइस अब जैसे ये होश में आएगा भाई ये डर जाएगा। और गाइस ये लोग ये देखो गाइस यहाँ पे ट्रेन आ गई। वेट व्हाट, अब क्या होगा, टॉम अभी तक वही है। ओके ओ भाई वेट व्हाट गाइस, देखो ट्रेन तो जा चुकी है और यहाँ पे तो था टॉम, और मैंने देखा था कि टॉम टकराया है, लेकिन गाइस अभी तो टॉम यहाँ पे दिख नहीं रहा है। लेकिन ये देखो यहाँ पे खून के दाग दिख रहे हैं, इसका मतलब टॉम को लगी तो है। और ये लोग उसे समझ लिए कि टॉम निपट चुका है, क्योंकि गाइस उन्हें ये लग रहा है कि टॉम ट्रेन के सामने आ गया और ट्रेन के साथ ही आगे चला जा चुका है। तो ये लोग ने सोचा कि अब टॉम निपट चुका है और ये लोग वहां से चले गए। लेकिन गाइस अब ये लोग भी वहां से चले जाते हैं और गाइस काफी टाइम निकल भी जाता है और सब चीज हर चीज भूल जाता है और किसी को कुछ भी नहीं पता रहता है कि एक्चुअली टॉम कहाँ गया है, क्या हुआ है। लेकिन गाइस इस बंदे को लगता है कि इसने अपना बदला ले लिया है और इसका जो बेटा गया रहता है ये उसके दुख से उभर नहीं पाता है, तो ये सारी बातें भूल जाता है। गाइस उसे काफी समय बाद हम देखते हैं कि टॉम अभी भी जिंदा रहता है और अब आप देखो वो सबसे बड़े रूप में आ चुका है, मतलब जो रियल टॉकिंग टॉम का जो शेप होता है ना गाइस इसने वो ले लिया है। और पता नहीं ये क्या कर रहा है, लोग बोलते हैं कि ये काफी सालों से यहाँ पे तपस्या कर रहा है, कुछ तो सीन है। लेकिन गाइस एक चीज तो कन्फर्म है और एक चीज तो बोलनी पड़ेगी कि टॉम अभी काफी बड़ा हो चुका है और ये उस दिन कैसे बचा। गाइस ये उस दिन कैसे बचा मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। सो गाइस जैसा कि आपको याद होगा जब टॉम यहाँ पे बंधा हुआ था, जैसी ट्रेन है इस पे सुपर पावर थी तो ये यहाँ से जंप करके सीधा सीधा यहाँ से ब्रिज के नीचे चला गया। और गाइस सब भूल गए थे कि इस पे सुपर पावर है, लाइक रियल सुपर पावर, तो यहाँ से उड़ के निकल गया। लेकिन गाइस अब क्या इसे वहाँ पे लगी थी या नहीं, गाइस उसे बहुत जोर से लगी थी और वहाँ पे पटरी पे जो खून का दाग था वो किसी और का नहीं, वो टॉम का ही था, तो उसे काफी जोर से लगी थी और इसके कारण उसके उड़ने की जो शक्तियां थी वो एक्चुअली में तो ठीक थी। लेकिन गाइस ये काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था तो ये उतना उड़ नहीं पाया, लेकिन फिर भी ये वहां से काफी दूर आ चुका था और इसने जैसे तैसे करके अपनी जान बचा ली। और गाइस जैसा कि आपको मालूम है कि टॉकिंग टॉम वैसे तो काफी पावरफुल है, लेकिन गाइस जब वो अकेला रहना स्टार्ट किया तो गाइस बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी, तो फिर गाइस वो जाके सीधा सीधा पहाड़ों में रहना स्टार्ट कर दिया। और अब क्या होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। गाइस अब टॉकिंग टॉम ऐसे ही आराम से इस पहाड़ों में रहता था और गाइस पहाड़ों का कलर और टॉम का कलर इतना ज्यादा मिलता था कि एक्चुअली में कोई स्पॉट भी नहीं कर पाता था कि ये पहाड़ों पे रहता है। तो ये काफी आराम से अपने जीवन को काट रहा था, पहाड़ों पे रहता था। अब आप सोच रहे होंगे इसके पास इतनी सारी सुपर पावर्स है तो इनका यूज क्यों नहीं करता और एक अच्छी लाइफ क्यों नहीं जीता। तो गाइस इसका आंसर ये है कि देखो जो टॉम है ना उसको ये फील होता है कि इसकी सुपर पावर्स के कारण एक बंदे की जान चली गई। तो गाइस इसने अपनी सुपर पावर्स का प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा कम कर दिया और इसे लगने लगा कि जो इसकी सुपर पावर से मिली है ना वो रेदर देन अ गिफ्ट और ब्लेसिंग वो एक कर्स है, मतलब इसके लिए काफी बुरी चीज है। तो गाइस इसने अपनी सुपर पावर का यूज करना
करना काफी कम कर दिया और फिर गाइस धीरे धीरे इसने हर चीज करना छोड़ दिया और ये आराम से पहाड़ों पे बस नॉर्मल जीवन जीता था। जहाँ पे कुछ भी होता था तो ये आराम से बस उसे काट लेता था। और क्योंकि गाइस ये यहाँ पे जंगलों में रहता था तो खाने पीने की ज्यादा टेंशन नहीं होती थी, कुछ भी फ्रूट्स एंड ऑल ये सब खा लेता था। लेकिन हाँ गाइस जब भी ये सो के उठता था तो इसे एक सपना जरूर आता था कि वो जो बंदे लोग इसके साथ किए वो बिल्कुल गलत किए और इसकी कोई गलती भी नहीं थी, तो ये उनसे बदला लेने की सोचता तो जरूर था। लेकिन गाइस फिर ये जैसे तैसे अपने आप को रोक लेता था कि बदला नहीं लेना चाहिए। लेकिन गाइस एक दिन क्या हुआ ना, इसे बहुत इंपॉर्टेंट काम आ गया, तो इसे अपने पहाड़ों को छोड़ के इस रोड को क्रॉस करके उस साइड जाना था, शायद पानी लेना या कुछ तो सीन था, पानी वानी पीने का कुछ ऐसा सीन था, अलग ही सीन था। तो ये रोड क्रॉस करके नॉर्मली जा रहा था। गाइस टॉम रोड क्रॉस कर ही रहा था तभी उसे एक्सीडेंट हो गया, और जिसका एक्सीडेंट हुआ मतलब जिसकी कार थी वो कोई और नहीं, वो ही बंदा था। और गाइस फिर क्या हुआ ना, टॉम प्रॉपर गुस्से में भाई। गाइस ये ना कहीं बाहर से आया रहता है लेकिन इसकी प्लेन खराब हो जाती है और उड़ती भी नहीं है, तो गाइस इसे मजबूरी में पानी पे कूदना पड़ता है। और गाइस तब ये सिर्फ और सिर्फ 3 साल का रहता है। और अब गाइस इसके लिए ये पूरी नई जगह है जहाँ पे अलग अलग मछलियां है, शार्क है, और गाइस इसे यहाँ से भागना भी इम्पोर्टेंट रहता है। लेकिन ये काफी ज्यादा इंटेलिजेंट रहता है तो ये शार्क को तो चकमा दे देता है, लेकिन गाइस शार्क इतनी आसानी से इसका पीछा नहीं छोड़ती है और शार्क इसका प्रॉपर पीछा करते रहती है गाइस, जैसे आप देख रहे हो इधर। लेकिन गाइस जैसे जैसे करके बच जाता है, अभी से आगा कुछ भी नहीं पता है, गाइस चारों ओर पानी ही पानी दिख रहा है। लेकिन गाइस ये सोचता है कि ये यहाँ पे एक छोटा मोटा आइलैंड या रहने लायक जगह बनाएगा, और गाइस देखते ही देखते इसने काफी सारा काम कर दिया होता है ऑलरेडी, और ये बनाता ही रहता है और किसी को इसके बारे में कोई खबर नहीं होती है गाइस। लेकिन गाइस तभी पता नहीं कैसे यहाँ पे कुछ लोग आ जाते हैं, कुछ लोगों को पता चल जाता है यहाँ पे कहीं बाहर से आया हुआ एक अजीब सा डॉगी है, और गाइस इन लोगों से किडनैप कर लेते हैं, वो नहीं पता कि क्यों, पर गाइस कर लेते हैं। और इसे बेहोश करते ही गाइस गाड़ी में उठा के इसे अपने साथ ले जाते हैं गाइस, फिर वो लोग इसे किडनैप करके ले आए। और जब इन्हें पता चला कि ये कुछ बोलता भी है गाइस, उसके बाद ये लोग बाद इसके बिना सर के खोपड़ी पे एक खतरनाक आइडिया आया, ऐसे लोग भी सोच सकते हैं क्या? अरे भाई बस तू नहीं सोच पाता, बाकी सब सोच ही लेते हैं गाइस। फिर इसने सोचा कि अब तो पैसे कमाने का समय आ चुका है। फिर क्या गाइस सब चीज यहीं से स्टार्ट हुआ, और फिर गाइस यहाँ से स्टार्ट होता है इनका असली खेल, क्योंकि ये बेन बोल सकता था, तो गाइस ये लोग ने इसके मुंह पे पट्टी बांधी और अब इस पट्टी के थ्रू सिर्फ ये यस और नो बोल सकता है। और फिर गाइस देखते ही देखते धीरे धीरे यहाँ पे लोग आने लगे इससे बात करने के लिए, और ये और वो लोग अपने क्वेश्चन पूछते थे और ये बदले में यस या नो बोलता था, और इसके हाथ पैर भी बांधे हुए थे तो ये भाग भी नहीं सकता था। और गाइस ये लोग अपना आंसर जाके चले जाते थे, और फिर क्या गाइस देखते ही देखते काफी ज्यादा भीड़ होगी, और लकीली गाइस जो भी बंदा जो भी पूछ के जाता था वो सही होता था, मतलब ये अगर यस बोलता था तो वो चीज होती थी और ये नो बोलता था तो वो चीज नहीं होती थी। और गाइस देखते ही देखते ये चीज बहुत पॉपुलर हो गई, और फिर हर दिन गाइस यहाँ पे प्रॉपर भीड़ बढ़ने लगी। हर दिन लोग लाइन पे खड़े होते थे सिर्फ और सिर्फ टॉम से बात करने के लिए, और इतने सारे लोगों से गाइस असली पैसा तो ये 3 गुंडे बनाते थे गाइस, क्योंकि सारा पैसा तो इनको जाता था, टॉम को तो बस ये 2 वक्त की रोटी दे रहे थे भाई। लेकिन गाइस अभी कुछ ऐसा होता है जो कि बहुत ही चौंका देने वाला है, क्योंकि गाइस अभी बेन जैसे मैंने आपको बताया सिर्फ और सिर्फ 5 साल का है, और जैसे ही बेन 10 साल का होगा गाइस उन्हें उसकी बहुत सारी शक्तियां मिलेगी, लेकिन उसके लिए उसे 10 साल का होना पड़ेगा गाइस। फिर ऐसा काफी साल तक चला, लेकिन गाइस अब बेन भी बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था तो इसने आंसर देना बंद कर दिया, लेकिन इन्होंने इसे बांध दिया था तो ये कहीं भाग भी नहीं सकता था। फिर गाइस एक दिन ये सब लोग इसे लेके जा रहे थे तभी गाइस पता नहीं बेन से कुछ अजीब सा होने लगा और सारे के सारे बंदे डर गए, और भाई तभी गाइस बेन अब इवॉल्व होना स्टार्ट हो गया, और फिर गाइस ये रहा इवॉल्व बेन, अब इसके पास इसकी शक्तियां आ चुकी है गाइस। गाइस फिर इसे इन सारे के सारे बंदे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन गाइस हमारा जो बेन था थोड़ी बहुत फाइटिंग तो सीख चुका होता है और वो अपने डिफेंस में गाइस काफी लोगों को जख्मी करता है। लेकिन गाइस बात अब बदलती है जब इसे इसकी शक्ति का अंदाजा हो जाता है, और गाइस अब ये देखो यहाँ पे सब कुछ इधर उधर हो रहा है, और गाइस अब ये लोग का बहुत ज्यादा हो जाता है तो बेन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, और अब गाइस सब खत्म क्योंकि बेन को उसकी असली ताकत का अंदाजा हो जाता है। और फिर गाइस उस दिन से वो इन सब के चंगुल से भाग जाता है, पहले इन सबको अच्छे से हराता है, और उसके बाद गाइस वो ये सब जगह छोड़ के भाग जाता है वहाँ से गाइस, और ये अब अपनी उड़ान भर चुका है। ओ भाई साहब, और गाइस अब ये वहाँ से काफी दूर आ जाता है किसी एक बहुत से अजीब आइलैंड में, और गाइस ये समझ जाता है कि अब जो इंसान है वो इसके साथ अच्छे से नहीं बिहेव करते हैं, तो ये सारे इंसानों से थोड़ा बहुत डरता भी है और दूर भी रहता है। गाइस ये मेन सिटी से बहुत ही दूर एक आइलैंड पे आ जाता है, और वहाँ पे सोचता है कि अब ये यहाँ पे अपने लैब वैब बनाएगा और फिर ये वापस जहाँ से आया वहाँ वापस जाएगा। लेकिन गाइस उसके लिए बहुत सारी चीजें चाहिए होती है गाइस, इसने फिर देखते ही देखते एक अपनी सीक्रेट बेस बना ली जहाँ पे ये काम करने लगा गाइस, मतलब वो प्रॉपर अंडरग्राउंड बेस थी जहाँ पे कोई भी इंसान लोग नहीं आ सकते थे, और यहाँ पे इसके पास सारी बेसिक फैसिलिटीज थी, टॉप कंप्यूटर्स थे, और एक बंदा था जिससे इसकी दोस्ती हो चुकी थी, वो ये कोई अंकल
थे भाई, और इसे बेन में इसका बेटा नजर आता था, तो इसलिए दोनों साथ में काम करते थे। और गाइज यहाँ पे हेलीकॉप्टर हर चीज है, ये हर चीज बना चुका है क्योंकि ये गाइज बाहर से आया तो इसे काफी नॉलेज है। और गाइज अब आता है मेन पार्ट जो की है, क्योंकि इसे पता था कि इंसान लोग इसकी बातें सुनने में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो गाइज इसने ये सोचा कि क्यों ना ये कोई ऐप वैप बना ले जिससे ये पूरे वर्ल्ड वाइड पॉपुलर हो जाए और सारे के सारे इंसान इससे बात कर सके। और क्योंकि इसे बहुत सारे पैसे चाहिए थे गाइज, इसे फंडिंग चाहिए थी ताकि ये अपने प्लेनेट वापस जा सके, और जो कि आसान नहीं था गाइज। और उस पैसे के लिए गाइज इसने धीरे धीरे करके एक ऐप डेवलप करने की सोची, लेकिन उस ऐप डेवलप करने के चक्कर में इसे बहुत सारी चीज लगने वाली थी, और गाइज उनमें से काफी सारी चीज इसके पास थी नहीं गाइज। तो अब उसके लिए इसको एक रैम चैलेंज कम्प्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि गाइज अगर ये ट्रैक्टर से रैम चैलेंज कम्प्लीट करता है तो इसे इसकी फैक्ट्री डालने के लिए काफी सारे रॉ मटेरियल्स मिल जाएंगे। तो देखते हैं क्या ही वाला रैम चैलेंज कम्प्लीट कर पाता है बेन। और गाइज बेन ट्रैक्टर चलाते हुए आपको भी अगर मजेदार लग रहा है तो गाइज एक लाइक मार दो जल्दी से। और मैं देख सकता हूँ गाइज बहुत लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो गाइज सब्सक्राइब भी कर दो यार, मतलब किस बात की दिक्कत है भाई, एक सब्सक्राइब तो बनता है गाइज, फटाक से एक सब्सक्राइब मारो। और अपन ये बार चेक करते हैं कि क्या बेन मतलब अपना बेन जा पा रहा है नीचे। अपना बेन मतलब मैं नहीं हूँ क्या तुम्हारा? अरे नहीं चौप, अपना बेन इन द सेंस की अपना बेन, समझ रहे तू? नहीं समझ रहा हूँ मैं। अरे यार गाइज अब इस चौप को कौन समझाए भाई, मत समझ तू गाइज। लेकिन जिस हिसाब से ये गाड़ी चला रहा है मेरे को लगा नहीं था भाई। इसके अंदर बहुत सारी शक्तियां है, तुम भूल गए क्या? हाँ बोल सकते है। ओ भाई गया बंदा। ओके गाइज ये बंदा वापस स्टार्ट कर रहा है, अभी देखते हैं। ये यहाँ पे पतली सी जगह और ट्रैक्टर के टायर बहुत मोटे हैं, लेकिन गाइज अगर ये एक बार में करता है ना भाई, तो मैं बता रहा हूँ मैं ड्राइविंग छोड़ दूंगा भाई। ऐसा है क्या भाई बहन, तू अगर मेरी आवाज सुन सकता है तो कर देना। अच्छा अभी तक तो उससे गुस्सा आ रहा था, लेकिन गाइज मेरे अगेंस्ट बात आई तो इससे दोस्ती कर लिया ये। दुश्मनों के दुश्मन दोस्त होते हैं। हाँ भाई ठीक है गाइज, ये इससे आगे निकल जाए वही बड़ी बात है। ओ भाई लगता है ईगो पे ले लिया बंदा। ओ भाई ओके गया। इसका मतलब अब आपको ड्राइविंग छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है क्या? भाई ये क्या कर दिया बंदा। गाइज ये बंदे ने अपनी ट्रैक्टर ही ओ भाई ओके ठीक है नहीं ठीक है। ओ भाई लेटते है गाइज क्या ये? अरे एक मिनट, ये रैंप एंड हो रहा है क्या वहाँ पे? ये तो वहाँ जाकर ही पता चलेगा। अरे हाँ मेरे चलाक चौप, चलाक नहीं चतुर चौप। अरे ओके गया। अरे गाइज ये क्या ही टैंकर फुट है, एक मिनट यहाँ पे वो लिखा है ऐसा। ओ भाई गाइज ये ट्रैक्टर लेके कहाँ पहुँच गया? जंगली जानवरों को मार रहा है। इसे मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे गाइज ये चैलेंज ट्रैक्टर से नहीं करता। ओ भाई गाइज पर कुछ भी बोलो, ये छोटू सा बैन क्यूट जरूर दिख रहा है। मुझसे भी ज्यादा क्यूट दिख रहा है क्या? जब इतना क्यूट की निर्मा शायद इससे पसंद कर ले। अरे नहीं ऐसा मत बोलो, निर्मा इसे नहीं पसंद करेगी, मैं ही सबसे क्यूट हूँ। भाई तो इतना ज्यादा डर क्यों रहा है गाइज, जब से ये बैन आया है ना। आया नहीं गया गाइज, मैं बोला जब से बैन आया ना भाई चौप ऐसे डर रहा है जैसे कि हम लोग उसको फेंक ही देंगे। तुम्हारा कोई भरोसा नहीं। लेकिन एक बात बताओ, अगर ये जीतेगा तो इसे क्या मिलेगा? भाई वो तो जीते के मेरे को कुछ तो दिख रहा है। ओ भाई वो देखो, एक मिनट, वो तो PS5 लग रहा है। अरे ये PS5 का क्या करेगा? लेकिन कुछ भी कहो, ये चैलेंज बहुत ही बेकार करता है भाई। हाँ ये तो है, मतलब गाइज ये आखिरी वाला पंखा इससे पार। ओके हो गया और इसे PS5 मिला। ये PS5 क्यों चाहिए था इसको? मुझे लगता है ये सिर्फ और सिर्फ फोन के लिए नहीं, PS5 के लिए भी गेम बना रहा होगा। ओ भाई हो सकता है। ओके गाइज तो उसके बाद ही वापस अपने लैब में जाता है गाइज। उसके बाद सारे इंग्रेडिएंट्स आ गए थे अपने ऐप बनाने के लिए, जो मटेरियल चाहिए थे वो आ गए थे। और फिर गाइज इनका काम स्टार्ट होता है, और फिर गाइज ये लोग काफी मन लगा के काम करते हैं। लेकिन तभी गाइज वो तीनों बंदे यहाँ आ जाते हैं जो तीन बंदे को ये चकमा दिया था। पता नहीं कैसे वो लोग ये जगह खोज लेते हैं जबकि ये बहुत ही सीक्रेट और खुफिया जगह है। और गाइज अंदर बेन रहता है और ये लोग मेनली इससे बदला लेने के लिए आए रहते हैं। लेकिन ये लोग जब अंदर घुसते हैं तो ये लोग सिर्फ बदला नहीं लेते गाइज, ये लोग बदले के साथ बहुत कुछ लेते हैं गाइज। फिर जैसे इनको कन्फर्म हो जाता है कि यहाँ पे बेन है, तो ये लोग काफी सारे बॉम्ब वगैरह मंगा लेते हैं, और सबसे पहले तो इसके सारे PS5 तोड़ देते हैं। और उसके बाद गाइज क्या
क्या होता है। और गाइस तभी ये लोग पूरा का पूरा हवाई अटैक करा देते हैं, मतलब प्रॉपर हेलीकॉप्टर आके पूरा फोड़ के चले जाती है। गाइस आप समझ रहे हो, इनका पूरा का पूरा बेस फूट जाता है। गाइस यहाँ पे कुछ नहीं बचता है, और फिर गाइस इनका पूरा बेस उड़ा दिया जाता है और कुछ नहीं बचता है। गाइस फिर वो तीनों बंदे यहाँ से बैन की ही गाड़ियां लेके भाग जाते हैं भाई, और बैन अंदर जख्मी हालत में पड़ा रहता है। लेकिन इन्हें क्या, ये तो बदला ले लिए और ये वहां से भाग जाते हैं। और गाइस अब इसके आगे क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। गाइस बैन तो जैसे छुप के अपनी जान को बचा लेता है, लेकिन उसके साथ जो एकदम खास उसके पापा जैसे एक बंदे थे गाइस वो नहीं बचते, और इस बात का उसे काफी दुख गुस्सा सब रहता है। फिर वो सोचता है कि वो इनसे बदला तो जरूर लेगा, लेकिन गाइस वो सिर्फ बदला नहीं लेगा, वो भाई सीधा सीधा पूरा वॉर करने वाला है, और उस वॉर के लिए वो अपने प्लैनेट से भी काफी लोग को बुलाएगा। तो कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। ये रही हमारी एंजेला, और ये ऐसे ही डांस वगैरह करती रहती थी क्योंकि गाइस इसे अपना पेट भी तो भरना है, और फिर ऐसे ही रोड साइड पे डांस करती थी, और यहाँ पे काफी लोग जमा होते थे गाइस, और वो सारे लोग इसे कुछ ना कुछ पैसे दे देते थे, और उससे उसका दिन का काम चल जाता था। और फिर ऐसे डांस करके थोड़े बहुत पैसे लेने के बाद गाइस जब उसके पास सफिशियंट पैसे हो जाते थे तो वहां से वो पैसे उठा के वापस अपने अड्डे में चल जाती थी। और गाइस वो जहाँ पे जाती थी और रहती थी वहाँ पे काफी सारे बिल्ली रहते थे, हाँ मतलब एक बिल्लियों का ग्रुप था भाई प्रॉपर। और गाइस ये टॉकिंग एंजेला वो सारे बिल्लियों के ग्रुप की लीडर थी, और गाइस ये इन सब के लिए खाना वाना लेकर आती थी, मतलब ये लोग की भी टर्न होती थी, तो टर्न बाय टर्न सब एक दूसरे के लिए खाना लाते थे, और फिर ये लोग यहाँ आराम से खाना वगैरह खाते रहते थे गाइस। लेकिन जब तक इन्हें खाना मिल जा रहा था इधर उधर से बचा खुचा कैसे भी ये लोग खा रहे थे, तब तक कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन गाइस दिक्कत तब हुई जब धीरे धीरे इन्हें खाना मिलना कम हो गया, और फिर काफी दिनों तक इन्हें भूखा रहना पड़ता था, कुछ नहीं मिलता था, दिन रात गुजराते थे, सो नहीं पाते थे। तो गाइस फिर इन सारी बिल्लियों का मन ये हो रहा था कि कोई ना कोई इन्हें अडॉप्ट कर ले, लेकिन गाइस कुछ का मन था अडॉप्ट होने का और कुछ का नहीं, क्योंकि गाइस अडॉप्ट होने के बाद काफी सारे लिमिटेशंस आ जाती है। लेकिन फिर भी एंजेला ने सोचा कि ऐसे भूखे पेट मरने से तो अच्छा है कि रोड पे कहीं जाके किसी से अडॉप्ट करने की हेल्प मांग ले। तो गाइस फिर ये रोड पे जाके हेल्प हेल्प चिल्लाने लगी, लेकिन काफी देर तक कोई नहीं आया। लेकिन आपको भी पता है ये ऐसे काफी प्यारी सी बिल्ली है, और गाइस कैट्स को कोई भी आराम से अडॉप्ट कर लेता है, तो इसके मन में भी यही था कि कोई ना कोई तो अडॉप्ट करेगा। लेकिन गाइस जैसे जैसे टाइम बीतता गया, दिन से रात हो गई, रात से दिन हो गई, लेकिन भाई कोई बंदे नहीं आए। और फिर गाइस इसने ऑलमोस्ट अपनी हिम्मत हार दी, और ये गाइस घर जाने के लिए तैयार हो गई। और गाइस जैसे ये वापस जा रही थी उसी समय यहाँ पे एक बंदा पहुंचता है जो कि काफी नॉर्मल सा था, और गाइस वो ऐसे वैसे नहीं, प्रॉपर अपना मिडिल क्लास बंदा था और काफी सही भी लग रहा था। तो उसने एंजेला से यही पूछा कि क्या वो किसी को अडॉप्ट करने के लिए देख रही है, तो गाइस एंजेला ने हाँ बोला। और फिर क्या, इसने सोचा कि अडॉप्ट कर लेता हूँ, क्योंकि गाइस इसके घर में भी काफी जगह थी और खाने पीने का इंतजाम तो हो जाता था। तो इसने एंजेला को बिठाया, और गाइस ये एंजेला को लेके अपने घर जाता है। गाइस फिर ये उसे लेकर जाता है अपने घर पे, और ये ऐसी जगह पे रहता था। लेकिन गाइस अभी तक तो सब बहुत ही बढ़िया चल रहा था गाइस, लेकिन अब देखना ये था क्या एंजेला को इसका घर वर पसंद आता है या नहीं, मतलब रहते बनता है या नहीं, क्योंकि गाइस उसको बाहर रहने की काफी ज्यादा आदत है, एक छोटे से घर पे बंद या फिर जैसे भी वो रह पाएगी यानी, लेट्स सी। तो गाइस ये था इनका घर, और यहाँ पे वैसे देखा जाए तो काफी अच्छा घर है, और इस हिसाब से एंजेला को भी कोई दिक्कत नहीं हुई, उसने भी रहने को हाँ कर दी है। गाइस फिर ये बंदा एंजेला से थोड़े बहुत काम कराता था, और एंजेला को भी थोड़े बहुत काम करने में कोई खास दिक्कत थी नहीं, क्योंकि जब वो बाहर रहती थी तब भी वो थोड़ा बहुत काम तो करती रहती थी, तो यहाँ पे तो वैसे भी छोटे मोटे काम करना है। तो गाइस अब देखा जाए तो सब कुछ बहुत ही बढ़िया चल रहा था गाइस। तो कुछ दिन और कुछ रात तो ऐसे ही बीतते गए, मतलब ये लोग आराम से यहाँ पे रह रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, सो रहे थे, मतलब नॉर्मल लाइफ जैसे चल रही थी, और एंजेला भी एज अ पेट जैसे रहते हैं वैसे रह रही थी, कोई दिक्कत हो नहीं रही थी भाई। फिर एक दिन गाइस एंजेला वॉशरूम में थी, शायद वो नहाने या कुछ करने तो गई थी, और गाइस ये बंदा भी अपने बेडरूम में सोने ही जा रहा था, लेकिन तभी गाइस बेल की आवाज आई, और फिर ये जाता है गेट खोलने, और ये देखता है कौन है। ओ भाई दिक्कत की बात हो गई, और ये गाइस कहीं जाके छुप जाता है, मतलब कौन आया था वो तो पता नहीं चला। गाइस बाहर दो गुंडे लोग थे, वो लोग लॉक खोल के गेट के अंदर ही चले गए, और फिर गाइस वो लोग घर के अंदर आ गए और हर जगह खोजने लग गए, और गाइस इसे ढूंढ लिया इन्होंने, और फिर गाइस उस पे एक गोली पैर पे मार के उसे गिरा दिया गया, और फिर उसे बांध दिया इन्होंने। गाइस गोली की आवाज सुन के एंजेला काफी ज्यादा डर गई थी, और गाइस गेट भी लॉक नहीं हो रहा था, पता नहीं क्या हो गया था, लेकिन फिर भी ये गेट पे खड़ी हुई थी चुपचाप, और इसे समझ तो आ गया था कि कुछ तो कुछ गलत हो रहा था। इसने सोचा कि शायद खिड़की से एस्केप कर लूं, पर खिड़की भी नहीं खुल रही थी, प्लस इसके मालिक जो थे गाइस वो भी तो मुसीबत में फंसे थे। तो इसने सोचा कि चुपके चाप जाकर देखते हैं कि क्या चल रहा है, और गाइस जैसे ये बाहर आया इसने देखा कि उसके मालिक को मार ही दिया गया है। गाइस फिर ये समझ गई कि ये गुंडे कोई आम गुंडे नहीं है। फिर गाइस ने थोड़ी देर में देखा कि इसका जो मालिक रहता है वो मरा नहीं रहता है एक्चुअली, मतलब उसे बेहोश या फिर गिराया गया रहता है, तो फिर इसे थोड़ा ठीक लगता है कि एटलीस्ट उसे मारा नहीं है। लेकिन गाइस अपने को पता है कि उसे पैर पे गोली लगी है, तो एंजेला सोचती है कि कैसे भी करके इन गुंडों को मारा जाए।
लेकिन गाइस एंजेला गलती ये करती है, उसे लगता है कि बस एक ही गुंडा है, तो गाइस वो जाती है धीरे से और जैसे ही वो मारने वाली रहती है तभी गाइस ये बंदा आके इसको बत्ती दे देता है। गाइस अब ये लोग इन दोनों को बांध देते हैं और इसका मालिक बोलता भी एंजेला को बाहर आने की कोई जरूरत नहीं थी, बट ठीक है गाइस। और फिर पता चलता है कि जो मेन कारण था वो ये था कि इस बंदे ने इन लोग से काफी ज्यादा पैसा लिया था और वो लोग इसका पैसा वापस दे ही रहे थे भाई। तो फिर गाइस ये बंदा पैसा वापस दे दे इसलिए ये लोग इस एंजेला को लेकर जा रहे थे और इसने ये कहा कि अगर तुझे एंजेला वापस चाहिए होगी तो जितने भी उधार के पैसे सारे लौटा देना। और गाइस कम उधार नहीं था, बहुत उधार था इस पे, तो इन्होंने एंजेला को यहाँ से लिया। फिर गाइस इन्होंने एंजेला को अपनी गाड़ी में बिठाया, बांधा और गाइस ये लोग एंजेला को लेके वहां से निकल लिए भाई। लिटरली गाइस प्रॉपर किडनैपिंग कर लिए बंदे। और गाइस अब वो बेचारा बंदा पता नहीं एंजेला को कैसे बचाएगा, अब क्या होगा। लेकिन गाइस गाइस और इन पे गाड़ी भी अजीब सी थी जो कि पानी पे और जमीन पे दोनों पे चलती थी। आप देख रहे हो इस पे, देखो गाइस बाजू बाजू में कुछ टैंकर जैसा, तो ये पानी पे भी चल जाती है और पीछे पे मोटर लगा है तो मुड़ भी जाती है भाई, अलग टाइप की गाड़ी है। और गाइस ये लोग फिर बहुत दूर एंजेला को लेके जाते हैं और इस पानी के उस पार इनका बेस रहता है। गाइस गाइस फिर बहुत दूर आने के बाद पता नहीं ये लोग कहाँ रहते हैं और आप लोग इनका बेस देख के ना गाइस डर जाओगे, मतलब इतना खतरनाक और सीक्रेट बेस रहता है। उसके बाद गाइस ये लोग फाइनली अपने बेस पे पहुंचते हैं, इतने दूर और इतना ज्यादा सीक्रेट रहता है, आप लोग देख रहे हो भाई कोई बंदा यहाँ पहुंच ही नहीं सकता है। फिर लोग जाते हैं अंदर और गाइस अंदर जाना ऐसा आसान नहीं रहता भाई, ये देखो पहले तो ये वाला क्लियर करो और फिर ये है गाइस इनका सीक्रेट बेस। और यहाँ ये लोग एंजेला को लेकर आ जाते हैं और गाइस फिर उसे लोग कहाँ रखते हैं मैं आपको वो दिखाता हूँ। और इनके बेस में एक्चुअली में सारी चीजें थी और गाइस यहाँ पे पूरे प्रॉपर बाहर के कैमरास लगे थे और सब कुछ कंट्रोलेबल था, मतलब भाई ये लोग ऐसे वैसे चोर डाकू नहीं थे भाई, मतलब काफी हाईटेक और पहुंचे हुए बंदे थे। और फिर क्या गाइस वही हुआ जो ये लोग पहले करने वाले थे, इन लोग ने एंजेला को बंद करके रख दिया भाई और फिर बढ़िया आराम से जाके सो गए। वैसे तो इनमें से किसी एक को पहरेदारी करनी थी लेकिन दोनों इतने आलसी थे कि पूरे दिन भर काम करें करके सो गए। उनका काम क्या था, एंजेला को किडनैप कर गाइस। लेकिन अब सीन कैसा था ना, एंजेला को प्रॉपर गुस्सा आ रहा था क्योंकि उधर उसके मालिक को भी इन्होंने मारा पीटा, उसके बाद इसको भी बांध बूंद के लाए और फिर जेल में रख दिया गाइस। आप समझ रहे हो, मतलब भाई ये शुरू से अपनी जैसे तैसे करके तो पेट वेट पाल रही, उसके बाद जैसे तैसे करके रह रही है। लेकिन गाइस इसे बहुत गुस्सा आया और इसके पास कुछ पावर थे जिनका इसे अंदाजा नहीं था और फिर इसे इतना ज्यादा गुस्सा आया गाइस कि इसे चक्कर आने लगे और इसे समझ नहीं आया कि इसके साथ हो क्या रहा है। और फिर गाइस कुछ अजीब सा होने लगा जैसा कि अपग्रेडेशन में होता है। और फिर गाइस हमें वो देखने मिला जो कि भाई अलग सीन था। गाइस एंजेला अपग्रेड हो जाती है और फिर उसे थोड़ी बहुत उसे शक्ति मिल जाती है, फिर वो वहां से निकलती है। और गाइस अब यहाँ पे उसके पास भागने का अच्छा मौका था लेकिन उसने सोचा थोड़ा बहुत बदला लेना तो बनता है भाई। तो फिर क्या गाइस यहाँ पे इतने सारे सोना ये सब चोरी का माल था इनका, तो गाइस ये इन सबको लेके बाहर जाती है और थोड़ी बहुत तोड़ फोड़ भी मचाती है। आई मीन थोड़ा तो बनता ही है गाइस, थोड़ा तो तोड़ फोड़ बनता है भाई गाइस। लेकिन फिर इसे स्मोक बॉम्ब मिल गया पता नहीं किधर से, फिर इसने सोचा कि क्यों ना थोड़ी मस्ती हो जाए। मस्ती क्या गाइस, ये बदले लेने के फॉर्म में थी और फिर इसने हर जगह स्मोक बॉम्ब फेंक दिया और शायद उस स्मोक से ये सारे बंदे बेहोश हो जाए और फिर ये खुद छुप गई स्मोक बॉम्ब फेंक के, तो इस पे ज्यादा धुआं आया नहीं और वहां पे बंदे कंफ्यूज हो रहे थे। और ये तभी गाइस जाके वहां से भाग जाती है और फिर गाइस ये बाहर आती है, बाहर पे ये इनकी ही ट्रक उठा के यहां से भाग जाती है। मतलब लिटरली ये बंदे जैसे आए थे एंजेला सेम टू सेम उसी रूट से वापस जाती है और भाई पता नहीं कैसे इसे गाड़ी चलाना भी आ चुका था गाइस, मतलब ये पावर ओवर पे भाई साहब बहुत कुछ सीख चुकी थी। लेकिन गाइस अब इसे जो नेक्स्ट टारगेट था वो ये था कि इसको अपने मालिक को बचाना है और गाइस मालिक को बचाना इतना आसान नहीं होगा क्योंकि गाइस ये जो भी गुंडे हैं ये बंदे वापस आएंगे उसके मालिक को लेने। तो गाइस अभी अपन वापस जा रहे हैं उसके मालिक को बचाने और देखते हैं एंजेला का मालिक अभी भी रस्सी पे बंधा हुआ या फिर क्या हाल है उसका, जाके देखते हैं गाइस, वो तो वहीं पता चलेगा। तो गाइस फिर जैसे तो एंजेला को लोकेशन मिलती है और वो काफी ज्यादा स्ट्रेंज और सस्पिशियस रहती है कि यहाँ पे उसका मालिक कैसे रह सकता है। लेकिन गाइस जैसे वो यहाँ घुसती से पता चलता है कि यहाँ पे उस गैंग के बंदे हैं और गाइस किसी ने उसे गलत लोकेशन भेजी थी, पर ठीक है अभी तो इसके पास पूरे वेपन्स हर चीज है। अब देखते हैं गाइस इसकी गन वाली स्किल कैसी है। ओके गाइस इसके सामने से भी बंदे आ गए। ओ भाई जब ये बंदे बहुत सारे हो चुके हैं और इतने सारे बंदे सब मिलके बिचारी एक अकेले एंजेला को मार रही है। लेकिन गाइस इसके पास बहुत सारी सुपर पावर्स भी, इसे पता नहीं है लेकिन अभी भाग रही है, देखते हैं कब तक भागती है नहीं भागती है क्या सीन होता है। ओके ओ भाई ठीक है गाइस इनके साथ ऐसे ही होना चाहिए। ओके गाइस ठीक है अभी भी लेकिन काफी सारे बंदे बचे हैं, उनका क्या होता है देखते हैं गाइस। तो ये बंदे अकेली एंजेला को देख के काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो रहे थे लेकिन इन्हें पता
नहीं है भाई कि इस पे सुपर पावर्स है और गाइस के पास सुपर वेपन्स भी आ चुके हैं। देखते हैं इन सबको मार पाती है या नहीं। ओ भाई ओके गाइस अभी इसका एक और अपग्रेडेशन रूप बचा है, देखते हैं वाले अपने रूप पे जाती है या नहीं है, क्योंकि गाइस अगर जरूरत पड़ेगी तो शायद जा भी सकती है। गाइस एक मिनट, कुछ तो हो रहा है, लोग जितनी गोली मार रहे हैं। ओके वेट व्हाट भाई, ये क्या हुआ भाई, ये तो अलग टाइप की एंजल है गाइस। और गाइस मैंने तो एक व्हाइट एंजल अभी देखी थी पर पता नहीं अभी इसका कलर अलग दिख रहा है। और गाइस अब देखो भाई भाई भाई, लगता है इसने अपनी पूरी पावर का यूज कर लिया है। लेकिन गाइस अभी एक व्हाइट वाली एंजेला आनी बची है, लेकिन देखते हैं ये वाली एंजेला कैसा करती है। ओके इसने सारे बंदों को तो निपटा दिया ऑलमोस्ट, अब एक दो जो बचे हुए भाग रहे हैं उन्हें भाई पकड़ पकड़ के निपटा रही है। सही है गाइस, लेकिन अभी भी इसका एक मिशन बचा है जो की है इसके मालिक को बचाने का। लेकिन गाइस अभी एक और चीज बची है जो की है इसे व्हाइट वाले रूप पे आने का। तो गाइस कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। सीन क्या रहता है ना, हमारा जो टॉकिंग हैंक रहता है ये एक पेट स्टोर पे रहता है, तो यहाँ पे काफी सारे डॉग कैट्स वगैरह मिलते रहते हैं, तो लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ से अडॉप्ट करके ले जाते हैं। लेकिन गाइस जो भी लोग आते हैं वहाँ पे अडॉप्ट करने का प्रोसीजर बहुत डिफरेंट होता है। गाइस तो सीन कैसा रहता है ना, जब कोई भी पेट को अडॉप्ट करने आता है तो गाइस उसके लिए क्या होता है ना, जो भी अडॉप्ट करने आता है उसको सबसे बेस्ट पेट चाहिए रहता है। तो गाइस इसलिए ये लोग ऐसे ही किसी भी पेट को नहीं दे देते हैं, ये पहले एक पेट रेस कराते हैं। गाइस प्रॉपर ऑब्स्टेकल वाली पेट रेस होती है। तो यहाँ पे ये जो कस्टमर आता है इससे पूछा जाता है कि इसे टॉप 5 कौन से लगते हैं, तो इसने अपने कोई भी टॉप 5 चूज करना होता है। तो गाइस इसने अपने टॉप 5 चूज कर लिया और उस टॉप 5 में एक तो हैंक भी आता है। और अब इन सब के पीछे एक कंपटीशन होगा और जो भी उस कंपटीशन में जीत जाएगा ये बंदा उसे अडॉप्ट करके ले जाएगा, क्योंकि गाइस यहाँ पे पेट भी सारे के सारे जितने भी डॉग्स होते हैं उन सबको भी एक मालिक की जरूरत रहती है। तो देखते हैं अभी फिलहाल अभी ऑब्स्टेकल कोर्स में चलते हैं। ओके सो गाइस यहाँ पे होने वाली है इनकी रेस और देखते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले हमारा हैंक जा रहा है, लेट्स सी। मैं भी तो देखू डॉगीज कैसे ड्राइव करते हैं। हाँ भाई तू भी देखो और कुछ सीख, ठीक है ना। मैं तो सब कुछ सीख चुका हूँ, मुझे क्या सीख। अरे बाप रे ये तो बहुत ही बुरा जा रहा है। ओ भाई सामने इलेक्ट्रिक करंट दिख रहा है। ओके ओ गाइस स्मूथ निकला है बंदा। लेकिन गाइस एक बात तो बोलनी पड़ेगी, इसको इतनी छोटी सी बाइक मिल गई है तो इसके लिए काफी ज्यादा बढ़िया बात है, क्योंकि गाइस अगर बड़ी सी बाइक मिलती तो ये बंदा भी फंस सकता था। वही तो, मैं तो हमेशा बड़ी बाइक चलाता हूँ, लगता है मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं बच्चा नहीं रहा। भाई तू बड़ा होके भी बच्चा ही है, तू ऐसा बड़ा हुआ है। ये क्या बोल रहे हो गाइस, आपको भी क्या मैं बच्चा लगता हूँ। हाँ भाई सबको तो। अरे भाई ये क्या हुआ गाइस, ये तो खतरनाक ही सीन हो गया है। गाइस देखते हैंक एक्चुअली में ये वाला चैलेंज क्लियर कर पाता है या नहीं, क्योंकि गाइस वैसे देखा जाए तो ये चैलेंज उतना हार्ड नहीं है, लेकिन भाई एज अ डॉगी थोड़ा बहुत हार्ड हो जाता है। वही तो भाई, एज अ डॉगी थोड़ा बहुत क्या, बहुत हार्ड होता है। ओ भाई गाइस हैंक अभी तक सबसे पहले पहुंचा हुआ है, लेकिन एक मिनट यहाँ पे किसी का वेट कर रहा है क्या। ओके लेट्स सी ये किसका वेट कर रहा है गाइस, क्योंकि अगर चाहे तो ये तुरंत गोल मार के अपने अडॉप्शन का काम कंप्लीट कर सकता है, लेकिन ये उतर के किसी का वेट कर रहा है, लेट्स सी क्या होता है। ओ भाई लगता है गाइस ये अपने दोस्त का वेट कर रहा है और इसका दोस्त भी बाइक वाइक पे बैठ के आ रहा है। ओ भाई लेट्स सी गाइस ये वाला डॉगी कैसा करता है। लेकिन गाइस दोस्ती हो तो ऐसी, मतलब वहां पे बंदा एक्चुअली में सीधा अडॉप्ट हो सकता है, लेकिन फिर भी उसने चूज किया कि वो इसका वेट करेगा, ठीक है, मतलब ये दोस्ती होती है। चुप कुछ सीख तू इनसे। अरे मैं क्या सीखूं भाई, मेरी भी बढ़िया दोस्ती है, समझे। किससे तेरी अच्छी दोस्ती ये बता। निर्मा से, मेरे से अच्छी दोस्ती यार कौन निभा सकता है। हाँ वैसे तेरी बात भी ठीक है। ओ बॉय गाइस फाइनली ये डॉगी भी पहुंच गया, मतलब और काफी अच्छा था। ओ बॉय गाइस दोनों अच्छे राइडर है गाइस, अब देखते हैं क्या होता है। लगता है दोनों मिलके साथ में गोल करेंगे और जो गोल करेगा वो अडॉप्ट हो जाएगा। वेट व्हाट भाई एक मिनट, क्या मेरी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा मेरे को भाई, ये बंदा अकेले जाके गोल कर दिया। वाह भाई कितना गंदा डॉगी था वो गाइस, बेचारा हैंक उसका वेट किया था कि दोनों साथ में जाके गोल करेंगे और वो बंदे ने जाके, वो डॉगी ने जाके अकेले गोल कर दिया। बंदा क्या बोल रहा हूँ मैं उसे, गाइस काफी बुरा हुआ हैंक के साथ। अब देखते हैं किसे कौन क्या अडॉप्ट होने वाला है, लेट्स गो लेट्स सी गाइस क्या होता है आगे। वो भाई एक मिनट गाइस, ये रहा इनके शॉप का ओनर, देखते हैं ये बंदा इन लोग को जाके क्या बोलता है, मतलब लेट्स सी गाइस हो सकता है ये कुछ बोले। ओके ये हैंक के पास जा रहा है, हैंक के पास जा रहा है गाइस, ये हैंक को मारने तो नहीं वाला है। ओ भाई लेट्स सी। ओ गाइस मैंने अभी इनकी बात सुनी, ये बंदा बोल रहा है कि देखो टेक्निकली जो जीता है वो हैंक है, लेकिन गाइस वो वाले डॉगी ने भी चीटिंग नहीं करी है, क्योंकि हैंक रुका हुआ था, तो इसलिए एक फेयर प्ले हो जाए।
गया है, इसलिए ये वापस से एक और रेस कराने वाला है, वो भी दूसरे ट्रैक पे। तो देखते हैं वहाँ पे कौन जीतता है। मतलब गाइस अब अडॉप्ट होना तो थोड़ी बहुत तो मेहनत करनी पड़ेगी। चलो देखते हैं नेक्स्ट रेस में क्या होता है। ओ भाई साहब, तो गाइस ये लोग आ चुके हैं अपने नेक्स्ट वाले चैलेंज में, और इस चैलेंज में जो भी जीतेगा उसे एक्चुअली में अडॉप्ट करने का मौका मिलेगा। और ये पिछला वाला डॉगी तो चल ही नहीं रहा है, हमारा हैंक फिर भी अच्छा खासा चल रहा है। और गाइस ये वाला चैलेंज थोड़ा सा डिफिकल्ट और डिफरेंट है, क्योंकि ये स्पेशली डॉग्स के लिए भी बनाया गया है। और ऊपर से गाइस आप देख सकते हो कितना वियर टाइप का चैलेंज है, लेकिन गाइस उतना ही हार्ड है। अगर हैंक ये चैलेंज कंप्लीट कर लेता है तो गाइस मैं लिटरली बता रहा हूँ भाई, बंदे को एक से एक अडॉप्ट करने के लिए मिल जाएंगे भाई। हो सकता है कोई एकदम बड़ा मिलियनर बंदा आ जाए भाई इसे अडॉप्ट करने के लिए। काश मुझे कोई मिलियनर बंदा अडॉप्ट किया रहता और वो मालदीव्स में रहता तो मेरे तो मजे ही मजे रहते। गाइस अपना चॉप का बहुत हो गया, अब मैं उसे ना लिटरली में जाके ना मालदीव छोड़ के आ जाऊंगा भाई। मेरे सर पे दर्द हो गया चॉप, अगर तू एक बार और मालदीव बोला अपने मुंह से भाई, मस्ती में नहीं बोल रहा हूँ मैं लिटरली तुझे फेंक के आ जाऊंगा मालदीव में। बस इतना ही करना है क्या मालदीव जाने के लिए? मालदीव मालदीव। अब तो चॉप तेरे साथ बुरा होने वाला है, बस थोड़े दिन और वेट कर। थोड़े दिन और वेट करना पड़ेगा, क्या कर रहे हो भाई तुम? भाई मैं क्या कर रहा हूँ, हैंक क्या कर रहा है? ओ भाई गाइस वो तो ठीक है कि हैंक वापस से आ गया, लेकिन वरना उसका जो पीछे वाला कॉम्पिटिटर था भाई वो हैंक को बीट कर देता है। लेकिन गाइस अभी भी ये ठीक ठाक जा रहा है, और एक बात तो श्योर है कि गाइस अपना हैंक ही जीतेगा अनलेस वो गिरे ना फिर से। ओ भाई मैं बच गया। एक मिनट, ये क्या हो रहा है? ठीक है भाई ठीक है, लेकिन अब मैं ये मान लेता हूँ कि हमारा हैंक ही अच्छा राइडर है भाई। मैं तो डॉगी होने के नाते बहुत ही बुरा राइड करता हूँ भाई। ठीक है तू एटलीस्ट डॉगी होने के नाते राइड कर लेता है, वही तेरे लिए बड़ी बात है चॉप। अरे हाँ ये भी तो बढ़िया है। अरे वाह, आजकल तो तुम अच्छी अच्छी बातें करते हो। अच्छी अच्छी बातें करते हो से क्या मतलब? क्या मैं हमेशा बुरी बात करता हूँ? ये कोई पूछने की बात है भला? आई मीन मेरे को तो लगता था मैं अच्छी ही बात करता हूँ, लेकिन तेरे को ऐसा लग... ओ भाई एक मिनट रुक जाओ जाओ गाइस गाइस गाइस। ओ भाई गाइस थोड़ा सा डिफिकल्ट चैलेंज है। गया गया गया। ओ भाई बच गया बंदा, बच गया लिटरली जस्ट बचा है। मुझे तो लगता है तुम्हें भी इससे ड्राइविंग सीखनी चाहिए, कितना मस्त कर रहा है भाई। देख वो छोटा सा और छोटी सी बाइक है, साए साए निकाल रहा है इधर से उधर। तो तुम भी कौन से बहुत बड़े हो, तुम बड़े हो तो तुम्हारी बाइक भी तो बड़ी है। हाँ बोल सकता है, लेकिन गाइस लेट्स सी क्या ये एक्चुअली में चैलेंज जीत पाता है। ओ भाई गाइस देखिए जिस हिसाब से जा रहा है मेरे को कोई डाउट नहीं हो रहा है कि ये नहीं जीत पाएगा। मेरे को बहुत ज्यादा यकीन है कि ये जीत जाएगा, और मैं चाहता भी हूँ कि जीत जाए, क्योंकि गाइस टॉकिंग हैंग भी अपना ही बंदा है। लेकिन गाइस जो वो दूसरा डॉगी है ना भाई, वो कोई छोटा मोटा नहीं है, वो भी बहुत स्मार्ट है। और स्मार्ट छोड़ो गाइस, वो काफी ज्यादा चालू बुद्धि है, क्योंकि गाइस पिछले बार तो उसने चीटिंग कर दी थी। ऑलमोस्ट गया गया भाई, हैंग तो गया, अपना बंदा हैंग गया। लेकिन फिर भी देखते हैं, लैंड तो करने की कोशिश कर रहा है ये बंदा। अगर सही शॉट लैंड कर गया तब तो ठीक है, नहीं तो गाइस प्रॉब्लम होगी। ओके गया 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 गया। ओके गाइस इसने लैंड कर लिया, अब इसे पैदल पैदल जाना पड़ेगा, लेट्स सी क्या होता है। एक मिनट गाइस वेट, व्हाट भाई ये डॉगी कैसे पहुंच गया? ओ भाई हैंग को निपटा दिया। ओके ओके ओके। ओ भाई खुद भी गिर गया, क्या डॉगी है। लेकिन इसने हमारे हैंग को जख्मी कर दिया, देखो बेचारा अब कितने धीरे धीरे जा रहा है, उसकी आंख भी सूज गई है। अरे भाई तू चुप रह, तो भाई वो उसकी आंख में वैसा ऑलरेडी रहता है यार। नहीं रहता है, मैंने उसे देखा था पहले, बेचारा एकदम मासूम सा सफेद था, उसकी आंख को सजा के भाग गया वो। अरे यार तू चुप कर। तो गाइस आप लोग ही बताओ यार इस बेवकूफ चॉप को कि भाई वो उसकी आंखों पे वैसा ही रहता है यार, क्या आदमी है। चॉप तू अपना मुंह बंद रख। तो ऐसा तो होगा नहीं। अच्छा नहीं होगा, मैं टेप लगा दूंगा। और वैसा मैं होने नहीं दूंगा। अरे भाई यार गाइस ये चॉप ना मेरे को इतना परेशान करता है। गाइस आपको भी कोई बहुत ज्यादा परेशान करता है जिससे आप पीछा नहीं छुड़ा सकते हो, पर वो थोड़ा बहुत अच्छा भी लगता हो, अगर कोई है तो मेरे को बताओ कमेंट में। बाकी गाइस मेरे लाइफ में तो ये चौपी है। और पता है मेरे लाइफ में कौन है? तुम हो। बस एक डिफरेंस है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि तुम मुझे मालदीव नहीं ले जाते। अच्छा बेटे ठीक है ठीक है। इसे तो एक पहिए की साइकिल मिली है। ओ भाई एक पहिए की साइकिल, लेट्स सी क्या। अरे 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 भाई कैसे चला रहा है, पर ठीक है चला रहा है एटलीस्ट ये बहुत। ओ भाई ओ भाई गया 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 गया। अरे 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 भाई ये कैसी साइकिल है, उड़ कैसे रही है ये? मुझे क्या पता भाई, देखने में मजा आ रहा है। हाँ वो तो है। ओ भाई ओ भाई ओ भाई गया गया। ओ बच गया, वेट व्हाट गाइस ये हैंक ना पक्का कुछ तो छुपा रहा है, कोई तो सुपर पावर या कुछ तो है भाई बंदे पे जो ये छुपा रहा है। लेकिन गाइस एक चीज तो माननी पड़ेगी कि अब इसे साइकिल छोड़ना है और पैदल
चली जाना है, क्योंकि गाइस ये देखो यहाँ पे एक साइकिल कैसे कूदाएगा, लेकिन लेट्स सी क्या होता है। और गाइस मेरे को लग रहा है ये जल्दी अपने सेकंड रूप में अपग्रेड हो जाएगा, क्योंकि गाइस इसके पास ऑलरेडी काफी सारी पावर्स पता है इसे। अब देखते हैं अपने अगले रूप में अपग्रेड होने के बाद कैसा लगता है। लेकिन ये अपग्रेड होगा कब? मेरे को लगता है जब ये वहां पे पहुंचेगा ना, एक रूम आता है जो फिर वो वाले रूम के बाहर निकलते निकलते शायद वो अपग्रेड हो जाए। तो तुम्हारी बात तो ठीक लग रही है, देखते हैं उस रूम से बाहर निकलते हैं तो क्या होता है। लेकिन ये अचानक से धीरे कैसे हो गया? अरे भाई देखना यहाँ पे ऐसे ढलान है, वो भी ये उल्टा। ओ भाई रूम आ गया। गाइस देखते हैं क्या ये रूम से निकलते निकलते अपग्रेड होता है। ओ भाई गाइस ये देखो, अगर आपको भी ये जगह पसंद आ रही है तो भाई एक लाइक तो कर देना गाइस, फटाफट एक लाइक मार दो। अभी देखते हैं क्या होता है। ओके 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 गाइस कुछ तो हो रहा है। वेट व्हाट? ओ भाई क्या चालू है, क्या चालू है चौप? भाई मेरे को कुछ नहीं समझ आ रहा है। तुम्हें क्या, मुझे भी नहीं आ रहा, लेकिन देखने में मजा आ रहा है। ओके ओ भाई वेट व्हाट गाइस, इसका कपड़ा बदल कैसे गया? ओके येलो हो गया है, अच्छा लग रहा है मेरे को ये भाई। लेकिन अब कैसे करना है? ओके गाइस अब ये काफी करीब था। वेट व्हाट? ओ भाई गाइस वो दूसरा डॉगी तो जीतने वाला है। शिट गाइस अब क्या होगा? देखो वो गोल के बहुत करीब है। अरे यार ये तो जीत जाएगा, अब क्या होगा? अरे नहीं भाई रुको, भाई रुको। अरे ये तो अटका हुआ है। गाइस देखते हैं क्या होता है। गाइस यहाँ से हमारा हैंक आ रहा है। ओ भाई गाइस काश हैंक पहले पहुंच जाए और उस बंदे को हरा दिया जाए, लेकिन देखते हैं कि क्या होगा, क्योंकि अपन को भी नहीं पता। ओके लेट्स गो। ओ भाई गाइस हैंक आ गया, हैंक जीत गया भाई, लेट्स गो गाइस, फाइनली हैंक जीत गया। अब हैंक को एक्चुअली में अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है गाइस अडॉप्ट होने की। अब ये लोग वापस नीचे जाएंगे और गाइस देखते हैं नीचे पे इनका मालिक इनको क्या बोल देता है। लेकिन गाइस अचानक से ये क्या हो रहा है? वेट व्हाट गाइस, चक्कर आ रहे। एक मिनट, वेट व्हाट, ये क्या हुआ भाई? इसे एक मिनट, इसे यहाँ पे किडनैप करके क्यों रखा, इसे कैद क्यों कर दिया इन्होंने? भाई ये क्या चल रहा है भाई? बंदा अच्छा खासा खुश था, अडॉप्ट होने वाला था, यहाँ पे इसे बंद करके रख दिया गया है गाइस, ये तो अजीब बात है। ओके गाइस एक मिनट, देखा जाए तो कोई तो आ रहा है। वेट व्हाट, एक मिनट, लगता है ये हैंक को ही लेने आया है। ओ भाई हैंक डर भी गया। एक मिनट गाइस, ये तो इनका बॉस है लगता है। ओ भाई इन्होंने हैंक के लिए गेट भी खोल दिया है। व्हाट, लिटरली हैंक को ये लेके जा रहा है। अगर ये अडॉप्ट करने वाला था तो इसे जेल में क्यों रखा? गाइस कुछ तो गड़बड़ है पक्का, क्योंकि गाइस अगर जेल वेल में लेके जा रहे हैं तो भाई मतलब कुछ ना कुछ तो दाल में काला लग रहा है मेरे को। दाल ही काली है, पता था तू यही बोलेगा। गाइस वेट, लेकिन अपने को जानना तो पड़ेगा कि आखिर चल क्या रहा है यहाँ पे। टॉकिंग टॉम स्क्विड गेम के चैलेंजेस कैसे पार करने वाला है? और गाइस इसे एक के बाद एक स्क्विड गेम के काफी सारे चैलेंजेस कंप्लीट करने होंगे। चलो देखते हैं इसकी जर्नी की, इसने स्क्विड गेम में कैसे अपनी जिंदगी काटी और उसके बाद गाइस क्या ये स्क्विड गेम में एक्चुअली में एंड तक पहुंच पाया या फिर बीच पे ही निपट गया। चलो फिर फिलहाल अपन स्टार्ट करते हैं। हमें भी देखना है भैया। अरे हाँ भैया, तेरे को भी दिखा रहे हैं। ओके गाइस अभी देखते हैं सीन क्या चल। ओ भाई ग्रीन, लेट्स गो। ओ भाई। ओके रेड गाइस, इसके आसपास भी बंदे तो आए हैं भाई, काफी सारे बंदे दिख रहे हैं। ओके गाइस फिलहाल अभी तो चेकिंग हो रहा है, देखते कोई। ओ भाई ये हिल रहा है क्या, ओके ओ भाई ये बुरा हिल रहा था। ओके इसे देखते हैं, ये नहीं हिल रहा है, अपना टॉम भी नहीं हिल रहा है, के बाद इधर। ओके लगता है कोई और भी जाने वाला है। गाइस ये लोग हिल क्यों रहे हैं मेरे को समझ नहीं आ रहा है। ओके ये अंकल जी नहीं हिल रहे अभी, ठीक है। ओके गाइस फिर से देखते हैं क्या होता है। ओके 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 ग्रीन, लेट्स गो। ओ भाई रेड, ओ भाई सब गाइस फिर से चेकिंग स्टार्ट हो रही है। अपना टॉम अभी फिलहाल तो सबसे आगे चल रहा है, लेकिन देखते हैं गाइस क्या वो एंड तक आगे रहता है। मतलब बंदा अगर रेड लाइट और ग्रीन लाइट में फर्स्ट आ जा रहा है ना गाइस, तो समझ लेना कि वो ऑलमोस्ट सारे के सारे अपने जितने भी चैलेंजेस है ना, उन सब पे कहीं ना कहीं अच्छे परफॉर्म कर लेगा। अभी लगता है कोई नहीं हिल रहा है। ओ भाई भाई सारे ही बंदे प्रो लग रहे हैं। प्रो नहीं भैया, जान खोने से डरते हैं। अरे भाई तो जान खोने से कौन नहीं डरेगा भाई, चौ तू भी ना। अरे भैया हम नहीं डरते। ऐसा है क्या, तेको भी रेड लाइट ग्रीन लाइट खेलने का मन हो रहा है क्या? नहीं भैया, हम नहीं डर। ओ भाई गाइस ग्रीन, लेट्स गो। क्रॉस कर लिया भाई टॉम ने, और भी काफी सारे बंदे क्लोज आ गए और गाइस बाकी तो बहुत सारे पीछे भी पड़े हैं और कोई हिल नहीं रहा है भाई, ये कम से कम ठीक ठाक बात है। और देखते हैं ये सारे बंदे भी क्लोज तो आ गए, कैसे पार करते हैं नहीं करते हैं। ओके गाइस तो अभी अपना टॉम आ चुका है सेकंड राउंड में, लेकिन गाइस ये जो सेकंड राउंड है ये अपना ग्लास ब्रिज है, और ये जो ग्लास ब्रिज है गाइस ये बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, कोई भी स्टेप लेने से ये टूट जाता है और कोई सही स्टेप और आप आगे बढ़ जाओगे, लेकिन गाइस अगर ये टूटा तो सीधा नीचे। और ये ग्लास ब्रिज यहाँ खत्म नहीं होता भाई, ये उसके बाद एक और ग्लास ब्रिज हमें पार करना है, लेकिन उसके लिए हमें पहले वो वाला करना पड़ेगा, उसके बाद ये वाला।
वाला। तो देखते हैं कितने बंदे ऊपर आ पाते हैं और हमारा टॉम कर भी पाता या नहीं गाइस। सो लेट्स सी क्या होता है। सबसे पहले जाने कौन वाला है अभी वो देखते हैं। ऊपर डॉल और गार्ड्स खड़े हुए हैं। ओके तो ठीक है गाइस, सबसे पहले तो ये कोई बंदा जा रहा है, देखते हैं ये कैसा परफॉर्म करता है भाई। मतलब थोड़ा तो ओ भाई गाइस ये तो तोड़ फोड़ के चल रहा है। अरे गिर गया। अब अगला बंदा ये जा रहा है, लेकिन गाइस देखो ज्यादातर बचा नहीं है जगह जाने को। ओ भाई ये भी गया गाइस। अब ये जा रहा है, लेकिन गाइस जिस हिसाब से लोग जा रहे हैं ना उस हिसाब से मेरे को लगता नहीं कि टॉम के जाने के लिए कोई भी जगह बचेगी, क्योंकि गाइस देखो अब ये बंदे को भी अगर जाना है तो उसे खतरनाक जंप करनी पड़ेगी, जो कि नहीं हुई। गाइस फाइनली अब हमारे टॉम की बारी आ गई, देखते हैं वो कैसे पार करता है। वेट व्हाट, एक मिनट, यहाँ पे एक अजीब सा कांच रखा है। ओ भाई गाइस अपना टॉम तो थोड़ा बहुत खिलाड़ी लग रहा है। थोड़ा नहीं भैया, अच्छा खासा ही लग रहा है। वही तो गाइस देखो कई सारे कांच टूटे हुए। ओ भाई बच गया गाइस, ये बंदा बच गया। अभी देखते हैं। ओके 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 गाइस ये जा रहा है भाई बस टूटे कांच पे। नहीं ओके एक नाइस जंप, देखते हैं आगे क्या होता है गाइस। ये शायद पहला, ओ भाई ये देखो यहाँ पे क्रैक है, एक खतरनाक जंप लगेगी, लेकिन क्या ये जंप वो कर पाएगा। ओके ठीक है गाइस, जैसे तो अभी तक टॉम आ गया है, लेकिन अभी देखना ये होगा कि गाइस ये तो अपना नॉर्मल ब्रिज है, सेकंड वाला ब्रिज है वो काफी ज्यादा रिस्की है। देखते हैं क्या सेकंड वाला ब्रिज अपना टॉम पार कर पाता है। भाई ये वाला थोड़ा खतरनाक है गाइस, क्योंकि ये वाला ब्रिज ऐसा वैसा नहीं है भाई, देखा जाए तो थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि गाइस आप हाइट देखो, सबसे पहले तो इतनी ज्यादा हाइट है और उसके बाद गाइस कोई भी कहीं से भी कांच टूट सकता है, तो गाइस थोड़ा सा तो रिस्क है ही गाइस। लेकिन ये थोड़ी सी चलाकी कर रहा है, देखो जो जो कांच टूट सकता है ना ये उस पे स्नोबॉल मार रहा है, तो जो जो वीक है वो टूट जा रहा है और जो नहीं टूट रहा है ये उस पे ही जा रहा है। भाई ये मतलब थोड़ा सा अच्छा प्लान है, मतलब सही लग रहा है देख के। भाई थोड़ा बहुत चलाक भी है ये। थोड़ा नहीं भैया, ये तो ज्यादा ही चलाक है। अब मुझे समझ आया। क्या समझ आ गया तेरे को? यही कि एंजेला इसे पसंद क्यों करती है। अच्छा भाई तेरी जिंदगी में उतना ही है, मतलब इसकी जिंदगी ना गाइस वहाँ स्टार्ट होके वहीं खत्म होती है। लेकिन गाइस जिस हिसाब से टॉम जा रहा है मेरे को लग रहा है अच्छा जा रहा है। जा तो अच्छा रहा है, लेकिन पहुंचेगा कि नहीं। ओ भाई शिट। ओके ओके गाइस, भाई ये बंदा लकी हो गया। एक मिनट गाइस, ध्यान से देखो ये क्या करना जा रहा है। गाइस कहीं ये डॉल को कुछ करने तो नहीं जा रहा है। ओके 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 लेट्स सी। ओ भाई गाइस ये तो डॉल के ही साथ पंगे ले रहा है। भाई देखते हैं क्या होता है। व्हाट भाई, उसने डॉल को गिरा दिया और किसी को पता भी नहीं है। ओके अभी लगता है ये गार्ड्स को भी गिराएगा क्या। ओ भाई लेट्स गो गाइस, लगता है ये इसे भी गिरा देगा क्या। भाई लेट्स सी गाइस, लगता है ये इसे भी गिरा देगा। ओ भाई गाइस इसे भी गिरा दिया गाइस, इसका मतलब अभी ये हमारा टॉम आराम से अपने चैलेंजेस कर लेगा। और गाइस अगर अब क्विट गेम की डॉल और गार्ड्स नहीं होंगे तो फिर से रोकने वाला भी कोई नहीं होगा। मतलब गाइस लगता है अब ये इजीली ये क्विट गेम वाला चैलेंज पार कर लेगा, और गाइस पार करने के बाद ये नेक्स्ट राउंड पे आराम से चला जाएगा, बस किसी को पता ना चले कि इसने चीटिंग करी है। क्योंकि गाइस अगर क्विट गेम वालों को पता चलेगा कि इसने चीटिंग करी है तब तो भाई इसे ऐसी खतरनाक पनिशमेंट मिलेगी ना। वही तो, ये अपना जिंदगी भर याद रखेगा और मैं तो चाहता हूँ इसे पनिशमेंट मिले भैया। भाई तू क्या बेकार आदमी है। आदमी मैं हूँ ही नहीं ना, यही तो मेरी खासियत है। आई एम अ डॉगी। भाई तो अच्छा वाला डॉगी बनना। ओ भाई ये क्या क्या कर रहा है गाइस, टॉम ने इसे गिरा दिया है और भाई ये बंदा सीधा गया नीचे। अब ठीक है, लेकिन गाइस ये देखो भाई इतना खून खून हो गया। लेकिन ठीक है, ये वाला चैलेंज टॉम कंप्लीट करता है और गाइस अब इसके बाद ये नेक्स्ट राउंड में प्रमोट होने वाला है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। ओ भाई लेकिन एक मिनट गाइस, यहाँ पे स्क्विड गेम के गार्ड ने टॉम को पकड़ लिया है। वेट व्हाट गाइस, यहाँ जंप के फाइट चल रही है, लेकिन जिस हिसाब से टॉम पिट रहा है ना उस हिसाब से को लगता है यार नेक्स्ट राउंड में गाइस कुछ तो सीन होगा। एक मिनट गाइस, इन्होंने इसे नेक्स्ट राउंड में तो ला दिया, लेकिन ये कैसा राउंड है भाई, ये कोई चैलेंज दिख रहा है। ये कोई ऐसा वैसा नहीं, ये सीधा डेथ रैंप चैलेंज है भैया। इससे गिरे और सीधा खजूर पे ना ही अटके, सीधा निपट ही गए। हो भाई गाइस ये तो दिख भी खतरनाक रहा है। भाई देखो एंट्री ही क्या बुरी हुई है, बंदा आया और आते ही गिर गया। अजिन भाई मुझे लगता है ये टॉम का अंत है यार। भाई ऐसा ना बोल गाइस, आपको भी लग रहा है क्या कि हमारा टॉम ये रैंप चैलेंज से नहीं बच पाएगा? आपको क्या लगता है गाइस कमेंट करके बताना। लेकिन गाइस अगर आपको लगता है कि अपना टॉम बच जाएगा तो जल्दी से एक लाइक करो, और अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस सब्सक्राइब कर देना। आर्यन टूटून चैनल मुझे भी पसंद है। हो भाई गाइस टॉम को भी पसंद है अपना चैनल, लेकिन एक दिक्कत की बात यह है कि गाइस अगर टॉम ही नहीं बचता है तो अपन पसंद करे या ना करे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो भाई पहले टॉम को बचने देते हैं। गाइस ये रैंप चैलेंज वैसे तो हार्ड लग रहा है, लेकिन उतना भी हार्ड नहीं है। आर्यन भाई जब आप इतनी सारी चैलेंजेस एक साथ करो ना तो फिर इंसान बहुत ज्यादा थक जाता है और हार्ड लगता है। हाँ बात तो तेरी ठीक है, लेकिन फिर भी भाई सच सच बताऊं तो ओके 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 गाइस ये बंदा टेढ़ा मेढ़ा निकल रहा है, लेकिन मुझे ये डेथ वाला तो नहीं लग रहा है। डेथ वैसे नहीं होगी भैया, जैसे ये अटकेगा स्क्विड गेम वाले निपटाएंगे इसे। ओ वैसा ठीक है, मैं समझ गया हूँ। लेकिन चौप देखो ही लगता है कि अपना टॉम वैसे तो अच्छा कर रहा है। लग तो रहा है। ओ भाई गाइस टॉम, ओ भाई गाइस पहली बार चौप के मुँह से मैंने टॉम की कोई तो मतलब अच्छी बात या फिर तारीफ ही कह लो सुनी है। मैं तो उसकी तारीफ करता
ही रहता हूँ, मुझे बस एक चीज पसंद नहीं है, वो क्या है? उसकी और एंजेला की दोस्ती। ओ भाई एक मिनट, ओ भाई गाइस तो ये चैलेंज अभी खत्म नहीं हुआ है, टॉम को लगता है उस पार जाना है। देखो गाइस ये वाला चैलेंज थोड़ा खतरनाक लग रहा है, ये हमने कभी ना कभी तो किया है, लेकिन गाइस यहाँ पे जंप करना बहुत हार्ड है भाई, मतलब आप नीचे देख रहे हो बहुत ज्यादा पानी और गहरा है, और गाइस धीरे धीरे यहाँ से बेस भी बढ़ते जा रही है, भाई पता नहीं टॉम कैसे कर रहा है। ओके गाइस एंड तक नहीं जा पाएगा, गाइस अभी एक दो टर्न तो और मिली है, लगता है टोटल इसके पास 3 टर्न है जिसमें से 2 गई। गाइस अब ये इसकी लास्ट टर्न है, अगर ये इस टर्न में हकता है ना भाई तो बंदा गया फिर, लेकिन लेट्स सी गाइस क्या ये कर पाएगा, क्योंकि गाइस थोड़ा सा तो हार्ड है, लेकिन ओ भाई बच गया गाइस, एकदम थोड़ा सा बच रहा है बंदा। भैया ये गिर ना जाए वरना एंजेला को कौन संभालेगा, मैं तो संभाल सकता हूँ। अरे भाई तू थोड़ा सा शांति रखना, चलो पागल क्यों हो रहा है। ओके गाइस लगता है ये पहुंचने वाला है, लेट्स गो गाइस। ओके ओ भाई वहाँ देखो गाइस कुछ तो अजीब दिख रहा है, और गाइस आपको याद है डॉल ने अभी अपना बदला नहीं लिया। ओ भाई रेड लाइट ग्रीन लाइट चल रहा है इधर पे, ठीक है देखते हैं टॉम का क्या सीन है, कर पाता है या नहीं। ओ भाई ग्रीन लेट्स गो। ओके वेट गाइस अभी ग्रीन से रेड हो गया है, देखते हैं क्या होता है। ओके ग्रीन लेट्स गो। भाई यार डॉल अगर बदला लेगी ना तो दिक्कत की बात है गाइस। ओके रेड है ना अभी गाइस, अभी अपने को वेट करना है। ओके वापस ग्रीन लेट्स गो। ओ भाई रेड गाइस एक मिनट। ओके गाइस ये लोग ग्रीन नहीं कर रहे भाई, रेड पे रोक दिए कहीं। ओके ग्रीन हो गया लेट्स गो। ओ भाई पार हो गया, वेट व्हाट भाई टॉम ने फिर से बत्ती दे दी है। गाइस एक मिनट, ये तीनों मिलके टॉम को मारने वाले हैं, व्हाट भाई ये तो गलत सीन हो रहा है, लेकिन देखते हैं अभी क्या होता है। गाइस टॉम अपना फुल डर गया तीन बंदों को देख के, अब भाई अकेले टॉम पे तीन ऐसे बड़े बड़े लोग मारेंगे तो भाई डरेगा ही ना। ओके गाइस चालू हो गया व्हाट। ओ भाई लेकिन गाइस ये अभी भी फाइट करने की तो कोशिश पूरी कर रहा है, लेकिन देखते हैं क्या फाइट कर पाते हैं नहीं। अरे बाप रे तो टॉम तो बहुत खतरनाक निकला भाई, अब मैं टॉम से ज्यादा पंगे नहीं लूंगा। हाँ भाई मत लेना वरना तेरे साथ ठीक ठाक नहीं होगा। लेकिन गाइस अपना तरफ से तो टॉम पूरा फाइट कर रहा है, लेकिन वो ये ना भाई आगे बंदे तीन हो जा रहे हैं और टॉम अकेला हो जा रहा है, लेकिन लेट्स सी क्या होता है भाई, बहुत स्लो फाइट चल रही है। लगता है ये लोग स्लो फाइटिंग रेस कर रहे हैं, जो सबसे स्लो मारेगा वही जीतेगा। हाँ भाई हो सकता है, लेकिन लेट्स सी गाइस क्या होता है भाई, मेरे को तो लगता है नहीं कि टॉम को ये लोग मार पा रहे हैं। मार तो पा रहे हैं, हाँ वो बात अलग है कि टॉम को इतना दर्द नहीं हो रहा है, लेकिन गाइस ओ भाई लात खा रहा है। ओ व्हाट गाइस टॉम गिर चुका है सीधा पानी में, नहीं गया। लेकिन गाइस फाइनली टॉम ये स्क्विड गेम वालों से बच तो गया भाई, जैसे तैसे करके तो ये एस्केप कर लिया और ये वहां से भाग चुका है गाइस। तो गाइस ये वो जगह जहाँ पे अभी स्क्विड गेम के गार्ड बनने का एडमिशन स्टार्ट हुआ है, मतलब यहाँ पे काफी सारे लोग आए और ये वाला चैलेंज थोड़ा सा खतरनाक है गाइस, लेकिन जिस बंदे को भी गार्ड बनने का मन है उन्हें ये चैलेंज करना ही पड़ेगा, और जिसने भी चैलेंज कंप्लीट कर लिया तो गाइस वो गार्ड बन जाएगा, लेकिन वहां से उसकी जर्नी स्टार्ट होगी, और अगर वो यहाँ तक पहुंच गया तो वो एक परमानेंट स्क्विड गेम का गार्ड बन जाएगा। तो गाइस अभी यहाँ एक एक करके सब इस चैलेंज को करने वाले हैं, लेकिन देखते सबसे पहले कौन जाता है, लगता है ये दीदी जाने वाली है। ओ भाई साहब गाइस ये चैलेंज वैसे तो हार्ड है और कोई भी ऐसे एरा गैरा बंदा नहीं कर पाएगा, लेकिन ओके और गाइस आपको तो पता ही है, ओ भाई गया। गाइस मैं ये बता रहा था कि आपको तो पता ही है, अगर एक बार कोई स्क्विड गेम का गार्ड बन जाता है तो उसके बाद तो भाई उसके ही मस्त मतलब मजे ही मजे है। ऐसे क्या मजे है भाई, अरे भाई सीधा डॉल के साथ रहो, सारे कंटेस्टेंट को कुछ भी करो। ओके। ओ भाई शिट ये तो ट्रैप पे फंस गया, इतना आसान थोड़ी है भैया। लेकिन देखते भाई ये अंकल कैसे स्टार्ट होने से पहले कैसे खत्म हो गए, हो जाते हैं भाई तुम क्या जानो भैया। हाँ ठीक है ये बंदा लेफ्ट से जा रहा है, हो सकता है भाई लेफ्ट में कुछ नया बढ़िया मतलब आसान हो, और हो सकता है ये अच्छे से कर पाए, अभी तक तो ठीक। ओ भाई गाइस देखते हैं इसके आगे जाना थोड़ा सा हार्ड है, गाइस देखते हैं कि कौन एक्चुअली में वो वाला पार कर पाता है, क्योंकि ओ भाई गाइस फाइनली एंजेला की बारी आ गई, अब देखते हैं ये कैसे करती है भाई। लेकिन गाइस अभी ये लास्ट वाला जंप पे देखते हैं क्या होता है। ओ भाई लेट्स गो भाई, गाइस एंजेला तो आगे आ गई है, लेकिन अभी ये वाला जो रैंप है ना ये थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि गाइस अब देखते हैं गाइस क्या होता है। ओके 1 2 ओके ओ भाई ठीक है ओके एक मिनट, लेकिन अभी पूरा नीचे नहीं गया। ओके ओ भाई गाइस तो एंजेला ने ये वाला रैंप पार कर लिया है, अभी आगे का चैलेंज भी बचा हुआ है, लेकिन अभी देखना ये होगा कि जाना कहां से भाई। यहाँ पे तीन रास्ते, एक तो ये वाला डोर है जो कि ओके गाइस ये वाला डोर बहुत ज्यादा रिस्की था, सीधा नीचे जाते, अच्छा हुआ नीचे नहीं गए फंस जाते। उसके बाद गाइस ये वाला डोर भी रिस्की है, ओके ये वाला डोर ही ठीक लग रहा है। ओ भाई गाइस ये वाला सही डोर था, अभी देखते हैं कि बाकी का जो चैलेंज है वो कैसे होता है। गाइस अभी तक यहाँ पे कोई नहीं पहुंच पाया। ओ भाई ये एंजेला तो बहुत ज्यादा कर्तव्य करती है भैया। भाई चौप देख ले, इससे लड़ाई ना हो जाए तेरी, तेरे को कूट कूट के फोड़ देगी। अरे भैया मैं नहीं लड़ाई करने वाला, क्या बात कर रहे हो। हाँ ठीक है अभी
देखते हैं गाइस आगे क्या होता है, लेकिन इससे पहले ये देखते हैं जो पीछे अपने बंदे बचे थे उनमें से कोई आगे आ भी आ पाया है कि नहीं। ओ भाई गाइस यहाँ पे काफी सारे बंदे तो आ गए, लेकिन देखते हैं ये लोग। ओके ये तो गया। गाइस मुझे लग नहीं रहा है कि भाई एंजेला जितना अच्छा कोई यहाँ पे खेल सकता है। नहीं कोई नहीं खेल सकता भाई चौप, तेरा कॉन्फिडेंस एंजेला पे कुछ थोड़ा ज्यादा ही नहीं है। थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा है। ओ भाई लेकिन गाइस एक बंदा यहाँ तक आ गया, देखते ही आगे कैसे जाता है। ओ भाई नहीं 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 गया गाइस, ये ना गलत डोर चूज कर लिया। इन लोगों को डोर चैलेंज की भी प्रैक्टिस कराओ भैया। गाइस ये बंदा देखते हैं कि कहाँ तक जा पाता है। ओके 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 ओके, अरे भाई कोई नहीं क्रॉस कर पा रहा है। लेकिन गाइस अब अपन देखते हैं कि एंजेला कैसे इसको क्रॉस करती है। लेट्स गो। ओके 3 2 1 लेट्स गो। ओ भाई पहला जंप हो गया गाइस, अभी आगे का। ओके दूसरा जंप हो गया भाई। गाइस एंजेला तो काफी सही जा रही, तीसरा जंप भी हो गया। इतना अच्छा तो तुमने नहीं किया था ये चैलेंज। हाँ मतलब बोल सकते हो। ओके 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 ओके। ओ भाई 1 मिनट, व्हाट? मैंने कहा था भैया मैंने पसंद किया है, छोटा मोटा ना ही होगा। नहीं वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ क्या ये बाइक। ओ गाइस एंजेला को बाइक चलाना नहीं आता, तो ये पैदल जाइए गाइस। पैदल जाके तो वहाँ पे जंप हो नहीं पाएगा, देखते हैं क्या होता है। गाइस 1 मिनट, यहाँ पे एक बंदा पहुँच गया। ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई। गाइस ये पहुँच गया था लेकिन गया भी। लेकिन गाइस एक बंदा यहाँ तक आ चुका है, लेकिन ये बहुत ज्यादा अजीब सा दिख रहा है, देखते हैं। ओके ओके ओके। ओ भाई ओके ठीक है, उसकी लैंडिंग थोड़ी बुरी है लेकिन बंदा खराब नहीं लग रहा है भाई, खेल तो ठीक रहा था अभी तक। ओके गाइस एक और बंदा जो यहाँ तक पहुँच चुका है, लेट्स सी ये कैसे करता है। ओ भाई ओके लेट्स गो, ये सही था। अभी एक और जंप देखते हैं, ये भी सही था। लेकिन गाइस क्या ये एंजेला को काट पाएगा, यानी वो हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी सबसे आगे एंजेला चल रही है और वो आगे ही चलेगी, अब ये तो वक्त बताएगा। ओके 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 ओके। ओ भाई गाइस ओ उसके पैर में चोट आ गई है, लेकिन फिर भी लेट्स सी क्या होता है। गाइस अगर वो बाइक नहीं उठाई होगी तो ये बाइक उठा के भाग सकता है। ओके ओ भाई इसने बाइक नहीं उठाई, ये लगता है गाइस अब एंजेला पीछे हो जाएगी। ओके 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 ओके, तो एंजेला को फोड़ दिया। व्हाट? मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। ओके ओके लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी। लेकिन ये गिर गया गाइस। लेकिन गाइस अब गुस्से में आके एंजेला ने भी बाइक राइड कर ली है। तुम चला लोगी भाई, ये तो बिना देखे चला रही है। व्हाट गाइस बिना देखे नहीं चलाना रहता है, लेकिन ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ओके 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 गाइस वेट, व्हाट? गाइस एंजेला पहुंच गई, इसका मतलब इसने यहां राउंड क्लियर कर लिया है। ओके भाई साहब गाइस ये ट्रॉफी इसको मिल गई है। 1 मिनट गाइस, कुछ तो सीन हो रहा है, कुछ तो सीन हो रहा है। व्हाट भाई गाइस कुछ तो बदल रहा है। ओ भाई साहब 1 मिनट गाइस, एंजेला अब स्क्विड गेम में गार्ड का रोल में आ चुकी है, मतलब गाइस अब एंजेला अपने स्क्विड गेम की गार्ड बन चुकी है। अब ये गार्ड टू डॉल का सफर देखते हैं क्या होता है। लेट्स गो गाइस, अब देखते हैं आगे क्या होता है। गाइस तो ये सेकंड राउंड है, यहाँ पे एक रेस सारे गार्ड्स के बीच में होने वाली है, तो इन्हें गाइस सीधा जाके अपनी बाइक लेना है और बाइक लेके इन्हें नीचे जाना है, जो पहले नीचे जाएगा वो जीत जाएगा। अभी देखते हैं कौन कौन जाता है। 3 2 1 गो। ओ भाई सब भाग रहे, सब भाग रहे गाइस, लेकिन ये अपना जो है ना ये वाला, ये गाइस एंजेला वाला गार्ड है, मतलब इसके अंदर एंजेला है। लेकिन भाई साहब सारे गार्ड्स अपना पीछा कर रहे हैं, अभी सबसे पहले तो एंजेला ही चल रही है। लेकिन गाइस सबसे बड़ी दिक्कत की बात ये है कि नीचे जाके ऊपर भी आना है, और गाइस अगर ऊपर आते आते इसे कोई गार्ड रोक देता है तो गाइस ये गिर सकती है, और इसे बाइक चलाने भी उतने अच्छे से नहीं आता है। किसने बोला भाई, देख के तो लग रहा है इसे आता है। हाँ बात तो तेरी ठीक है, देख के तो लग रहा है इसे आता है, लेकिन गाइस कुछ बोल नहीं सकते फिलहाल। लेट्स सी ऊपर जा पाती है या नहीं। अगर ये ऊपर जाएगी तो क्या इसे गार्ड बनने का मौका मिलेगा? अरे गार्ड तो ये ऑलरेडी है। अरे ये वाला नहीं, जो डॉल के साथ रहता है वो वाला गार्ड। हाँ भाई अगर ऊपर पहुंच जाएगी तो उसे डॉल बनने का, डॉल के साथ जो गार्ड रहता है उसके साथ रहने का मौका मिलेगा। लेकिन लेट्स सी गाइस क्या ये ऊपर जा पाती है। लगता रहा है चल देगी। हाँ भाई ओके गाइस, इसके बाइक में कुछ तो ऐसा है जिससे कारण ये उड़ पा रही है। ओके 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 गाइस लेट गो, ये ऊपर आ गई है। व्हाट, ये क्या चल रहा है इधर? लेकिन गाइस अब वो देखो, वो रही डॉल, और गाइस डॉल का पहला गार्ड ये अपनी एंजेला बन चुकी है। अब देखते हैं जो दूसरा गार्ड रहता है ना डॉल के साथ, वो कौन आ पाता है, मतलब कोई है जो आ भी पाता है या नहीं, क्योंकि गाइस एंजेला ने काफी तगड़ा चैलेंज किया। अभी देखते हैं ये वाला बंदा क्या करता है। ओ भाई गाइस ये सारे के सारे गार्ड्स को निपटा रहा है ताकि ये अकेला गार्ड जीत पाए। भाई ये तो बहुत ज्यादा चालाकी वाली बात हो गई। लेकिन गाइस देखते हैं क्या ये एंजेला से अच्छा परफॉर्म कर पाता है। देख के तो लग रहा है कि अच्छा कर रहा है, तो हो सकता है एंजेला के साथ जो सेकंड गार्ड होगा शायद वो यही हो। ये तो वक्त ही बताएगा प्यारे। हाँ भाई ठीक है गाइस, आपको नहीं लगता जब से ये वाला वीडियो स्टार्ट हुआ है चौप थोड़ा अलग ही रिएक्ट कर रहा है? उन्हें क्या, मुझे खुद ऐसा लग रहा है। अच्छा ठीक है भाई ठीक है, मैं समझ सकता हूँ कि चौप। ओ भाई ये तो उड़ के ही आ गया बोलता है भाई। ओके गाइस ये थोड़ा वियर्ड नहीं था? हाँ बहुत बढ़िया, इतना तेज उड़ के आया भाई, मेरे को तो चीटिंग ही लग रही है इसकी पूरी, लेकिन ठीक है छोड़ो गाइस। ओके 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 ओके। ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ
भाई ओके 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 गाइस ये बंदा भी पहुंच गया, लेकिन एक मिनट ये एंजेला को फिर उड़ाने, ओह शिट इसने डॉल को ही उड़ा दिया गाइस, क्योंकि इसने डॉल को उड़ा दिया। डॉल थोड़ा सा तो भड़क गई है भाई, लेकिन ठीक है डॉल इसे मारने की तो कोशिश कर रही है लेकिन मार नहीं पा रही है। तो फिर गाइस ये एंजेला को बोलती है और देखते हैं अब एंजेला क्या करती है। तो गाइस अभी एंजेला जा रही है उस गार्ड को मारने, लेट्स सी क्या होता है। ओ भाई गाइस ये तो खतरनाक था, मैं तो बच के रहूंगा भैया। हाँ भाई बच के ही रहना गाइस। लेकिन एंजेला का सफर यहाँ पे नहीं खत्म होता है, अभी उसे सिर्फ गार्ड नहीं बनना है, उसे डॉल भी बनने का मन है। और गाइस डॉल बनने के लिए उसे बहुत कुछ करना पड़ेगा, सबसे पहले तो उसे उस डॉल की जगह को खाली करना पड़ेगा और उसके लिए उसे सारे स्क्विड गेम के गार्ड्स का सपोर्ट चाहिए होगा, जो कि काफी मुश्किल है क्योंकि गाइस सारे के सारे गार्ड्स डॉल बनना चाहते हैं और किसी दूसरे को बनाना कोई भी नहीं चाहेगा। लेट्स सी ऐसा क्या करती है एंजेला जिससे वो डॉल बन पाती है। फिलहाल अपन नेक्स्ट राउंड पे जाते हैं जहाँ पे सारे के सारे एक साथ कम्पीट करेंगे। गाइस अब यहाँ पे एक चैलेंज होगा, इसमें जो भी सबसे पहले वहाँ पे बिना गिरे जा सकता है एंड तक गाइस वो सीधा डॉल बन सकता है या फिर डॉल के साथ कम्पीट कर सकता है। सबसे पहले जो जा रही है वो एंजेला है गाइस, ये स्क्विड गेम के ड्रेस में, लेकिन देखते हैं क्या ये वहाँ तक जा पाती है नहीं। भाई एंजेला फुल गुस्से में लग रही है गाइस, लेकिन अगर अपने को इस चैलेंज को कम्प्लीट करना है तो थोड़ा सा गुस्सा तो चाहिए ही है। हाँ भाई थोड़ा सा गुस्सा चलता ही है, बस मुझे ऐसा गुस्सा देखने को ना मिले भैया। नहीं वैसे मिलना चाहिए चौप। ओके एक मिनट यहाँ पे कुछ तो सीन है। ओ भाई ये सीधा टेलीपोर्ट मार रहा है, लेकिन गाइस अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला जो पार्कर चैलेंज है ये उतना इजी भी नहीं है और उतना हार्ड भी नहीं है, मतलब थोड़ा मीडियम मीडियम है। लेकिन भाई ये लोग इसे डिस्टर्ब कर रहे हैं, लेकिन गाइस धीरे धीरे आगे बढ़ रही है एंजेला और एट द एंड ये देखा जाएगा कि कौन सबसे पहले इस चैलेंज को कंप्लीट किया है। तो गाइस मुझे लगता है एंजेला को बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना और सीधा डॉल के पास जाना चाहिए, क्योंकि गाइस एक बार एंजेला का स्क्विड गेम की डॉल बन जाती है ना तो फिर कोई दिक्कत और टेंशन वाली बात नहीं है गाइस, क्योंकि फिर तो सब एकदम चिल है। लेकिन भाई ये इतने सारे लोगों को मारना पड़ रहा है ना, ये टाइम बहुत वेस्ट कर रहा है। लेकिन एक मिनट भाई ये करने की तो कोई जरूरत नहीं थी, आखिर ऐसा क्यों कर रही है ये। मुझे क्या पता भैया, लेकिन देखने में मजा आ रहा है। हाँ ये तो सही बोल रहा है तू, लेकिन चौप एक बात ध्यान रखना, अगर ये ज्यादा लेट करती है तो भाई दूसरे बंदे होंगे ना वो सारे के सारे इसे जल्दी कर लेंगे और फिर गाइस आपको तो पता ही है कि कौन हारेगा कौन जीतेगा। फिलहाल अभी यहाँ से पानी में कूदना है, लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी। ओ भाई गाइस ये चैलेंज यहाँ खत्म नहीं हुआ है, वेट व्हाट भाई यहाँ पे भी कुछ बचा हुआ है। एक मिनट गाइस अपन पानी से सीधा यहाँ गए, इसका मतलब इसके एंड में हमें डॉल मिलने वाली है। लेकिन गाइस अगर इसके एंड पे अपन पहुंच गया और उसके बाद भी डॉल नहीं मिली तो फिर एंजेला का बुरा लगेगा। हाँ वो बात अलग है, लेकिन अगर डॉल मिल जाती है इसका मतलब एंजेला इज द नेक्स्ट स्क्विड गेम डॉल, गाइस आप समझ रहे हो। और अगर एक बार एंजेला स्क्विड गेम की डॉल बन जाती है तब तो मेरे चांदी ही चांदी है भैया, क्योंकि मैं उसका अच्छा दोस्त बन गया हूँ। अच्छा ऐसा है क्या, लेट्स सी देखते हैं कि चॉप कितना अच्छा दोस्त है। फिलहाल इसे कोई बताओ कि इस चैलेंज को उड़ के कंप्लीट नहीं करना है, एक्चुअल में पार करना है। भैया तुम कुछ मत बोलो, फोड़ देगी ना सर तो हो जाएगा। नहीं वो सब तो ठीक है चॉप, एक बात बता मेरे को कि तुझे क्या लगता है कि कभी ना कभी जब तेरी लड़ाई होगी तो होने क्या वाला है। एक ही चीज होगी, मैं चुपचाप सॉरी बोल के खिसक लूंगा और उससे ज्यादा कुछ होगा भी नहीं। गाइस ये बहुत खतरनाक सी जंप लग रही है, लगता है बहुत ज्यादा हाइट होने वाली है। लेट्स सी क्या होगा। ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओके 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 लेट्स गो। ओके गाइस वहां तक जाना है सीधा, लेकिन गाइस अगर कोई वहां तक जा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक डॉल है और आज तक और कोई नहीं कर पाया ये चैलेंज। लेकिन अगर एंजेला कर लेती है तो समझ लेना कि वो डॉल की जगह ले लेगी। लेकिन गाइस देख के तो लग रहा है कि इससे शायद ही होगा। ओके 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 वेट व्हाट। ओ भाई अभी लग रहा है कि पॉसिबल है, अभी लग रहा है कि पॉसिबल है बहुत ज्यादा। गाइस एंजेला नीचे तो जा रही है, नीचे तो जा रही है और गाइस डॉल भी दिख रही है मेरे को। मेरे को भी दिख रही है भैया, लेट्स सी क्या ये नीचे जा सकती है। ओ भाई ओ भाई ओ भाई शिट 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 ओके ओ शिट गाइस ये डॉल तक पहुंच चुकी है, अब इसे सिर्फ डॉल को हराना है। ओ भाई गाइस ये डॉल को हरा दी, वेट व्हाट। इसका मतलब गाइस अब स्क्विड गेम की डॉल और कोई नहीं, अभी डॉल नहीं गई है। अरे हाँ गाइस अभी भी फाइट ऑन है, फुल फाइट ऑन है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। ओ भाई ये दोनों एक दूसरे को मार क्यों नहीं पा रहे, दोनों की हाइट बहुत डिफरेंट है भैया। हाँ लेकिन गाइस अब लगता है डॉल निपट गई, इसका मतलब अब स्क्विड गेम की डॉल और कोई नहीं है, एंजेला है। ओ भाई गाइस ये अपने रूप में आ चुकी है और इसका मतलब स्क्विड गेम की डॉल एंजेला, इसका मतलब अब स्क्विड गेम की डॉल एंजेला बन चुकी है। आज अपन जाने वाले टॉकिंग फ्रेंड्स के स्कूल के अंदर, मतलब गाइस आज अपन स्कूल तो जाएंगे लेकिन हमें जो पढ़ाएगा वो टीचर नहीं होगा भाई, उसकी जगह होंगे टॉकिंग फ्रेंड्स। जैसे कि कोई क्लास होगी जहाँ पे टॉकिंग टॉम पढ़ा रहा होगा, कहीं टॉकिंग बेन और कहीं टॉकिंग एंजेला। अब से तो मैं रोज स्कूल जाऊंगा।
हाँ तू तो जाएगा ही, लेकिन गाइस सारे के सारे फ्रेंड्स अपने अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाएंगे और अलग अलग चीजें करके दिखाएंगे और हमें वो चीज करके उनको दिखानी पड़ेगी और उसके बाद वो लोग हमें मार्क्स देंगे। तो देखते हैं कौन टॉप करता है इस बार। एंजेला की क्लास में तो मैं ही टॉप करूंगा, आई मीन मैं सबकी क्लास में टॉप करूंगा, आई एम अ गुड स्टूडेंट। हाँ भाई मेरे गुड स्टूडेंट, ठीक है। चलो गाइस अभी फिलहाल अपन स्कूल के अंदर जाके देखते हैं और क्या इतना आसान है इनकी क्लास पे बैठना या फिर क्या करना पड़ेगा, एक बार चेकआउट करते हैं। तो ठीक है मैं अंदर जाके देख रहा हूँ, मेरे साथ और कोई आना चाह रहा है क्या? क्यों नहीं, अरे भाई अभी तो तू वहाँ था। अच्छा ठीक है गाइस चलो मैं और जब अंदर जाके देखते हैं सीन कैसा है। ओके ओह तो गाइस अपन स्कूल के अंदर आ गए, ये देखो एक क्लासरूम है जहाँ पे बेन टीचर है, ओके ठीक है। उसके बाद एक दूसरी क्लासरूम है वहाँ पे हैंक टीचर है, ये भी ठीक है ये भी ठीक है। और फिर एक और क्लासरूम है जो कि अभी बंद है, यहाँ पे टॉम टीचर है। लेकिन गाइस अब आती है ट्विस्ट की बारी, और वो ट्विस्ट क्या है गाइस, ये रहा, ये एक मेगा रैंप है और ये सिर्फ मेगा रैंप नहीं है गाइस, ये देखो ये कितना ऊपर और कितना ज्यादा बड़ा है। लेकिन लेकिन कैच ये कि ये बहुत ज्यादा इजी है, मतलब ऐसा कि चॉप जैसे लोग भी कर सकते हैं इसे। चॉप जैसे लोग, मैं क्या तुम्हें बहुत गया गुजरा लगता हूँ क्या? लगता है आई मीन हाँ चॉप, उसमें कोई शक या पूछने वाली बात नहीं है, वो तो फैक्ट है। ये फैक्ट है तो किसी फैक्ट वाले चैनल पे क्यों नहीं आता है, क्योंकि कोई तुझ पे इंटरेस्टेड नहीं है चॉप। कोई मुझ पे इंटरेस्टेड नहीं है, निर्मा तो है भाई, तुम भगो इधर से। गाइस आप भी मुझ पे इंटरेस्टेड नहीं हो क्या? चल फिर से अपने इमोशनल ड्रामे बंद कर गाइस। तो अभी क्या होगा ना, जो जो ये रैंप के एंड पे पहुंचते जाएगा वो सीधे स्कूल पे एंट्री पाएगा। और गाइस देखो अपने को इस रैंप को क्लियर करके उनके स्कूल में घुसना है, स्कूल में जाके जो सब्जेक्ट पढ़ाएंगे वो पढ़ के अच्छे मार्क्स लाना है, आप समझ रहे हो भाई। बहुत ज्यादा भसड़ मचने वाली है, लेकिन एक काम करते हैं अभी फिलहाल सबसे पहले जाने कौन वाला है ये बताओ। अरे कोई और क्यों, मैं ही जाऊंगा ना। अरे भाई आलोक तू ठीक तो है ना? अरे यार ठीक हूँ, बस कमर की 10-20 हड्डी टूटी है, बाकी सब ठीक है यार। अरे भाई कमर की बस 10-20 हड्डी टूटी है, ठीक है गाइस ये जो अपना है ना ये आलोक ही अलग ही लेवल पे है। अरे यार कोई भी लेवल पे हो, लेकिन देखता हूँ कि ये रैम चैलेंज एक्चुअली में बाप रे इतना बड़ा है क्या, पहले बताना था ना भाई। मैं तो बता ही रहा था, मेरी बात नहीं खत्म हुई थी और तू पहले ही चला गया। अरे यार आसमान से ऊपर है ये, आसमान के पार नदी के बाहर। चुप हो जा चॉप, नहीं तो पड़ेगा चार। अरे ये क्या भाई, तुम तो राइमिंग करके बेइज्जती कर रहे हो आजकल। हाँ तो भाई अब बेइज्जती का लेवल भी बढ़ाना पड़ेगा ना, मतलब अब तेको एक लेवल की बेइज्जती की आदत हो गई है, तो अब मैं बेइज्जती करता तेको लगता ही नहीं है। ये तो सही बोल रहे हो तुम। हाँ तो इसीलिए मैं थोड़ी नेक्स्ट लेवल बेइज्जती करूंगा तेरी अब से। लेकिन तुम बस बोल सही रहे हो, कर गलत रहे हो भैया, ऐसा ना ही करो। अच्छा ठीक है चॉप, देख गाइस देखो अब से अपन चॉप की बेइज्जती नहीं करेंगे, अब से अपन चॉप की तारीफ करेंगे, ठीक है। मेरी तारीफ पक्का, दाल में कुछ तो कुछ काला है। अरे भाई नहीं कुछ भी काला नहीं है, तेरी तारीफ ही करूंगा मैं। ओके ओके गया 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 गया, ओके ओके ठीक है बच गया बच गया। अरे यार बच तो गया हूँ, लेकिन इतने ऊपर किसको जाना है यार, तेरे को ही जाना है और किसको जाना है भाई। अरे ये मुझे पता है, ये नहीं बोल रहा हूँ मैं। हाँ तो क्या बोल रहा है। अरे तू ये सब छोड़, अभी मेरे को चॉप की तारीफ करने दे पहले। हाँ भाई करो करो, आई एम वेरी 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 रेडी। अरे भाई हराम से भाई चॉप, मेरे को आजकल तू सही शॉट लग नहीं रहा है। सही शॉट तो कोई भी नहीं लगता है आजकल। हाँ वो तो ठीक है। अच्छा एक मिनट गाइस, लगता है आलोक एकदम रैंप के एंडिंग पे आ गया है। भाई ये स्कूल जाने के बाद क्या होगा वो भी देखते हैं। अरे यार मेरे को फिर से स्कूल क्यों जाना पड़ रहा है, इतने साल पढ़ाई की मैंने, फिर से नहीं पढ़ सकता हूँ यार। देख भाई आलोक ऐसा है कि आज जो पढ़ाने वाले हैं वो टीचर नहीं है भाई, अपने टॉकिंग फ्रेंड्स लोग हैं, तो तू कुछ पूछ भी सकता है कुछ सीख भी सकता है। अरे ऐसा है क्या, फिर तो मजा आएगा यार, पहले बताना था ना। अरे भाई बता तो दिया। अरे लेकिन और पहले बताना था ना। अरे भाई सुनना गाइस, ये ना इतनी हाइट से नीचे गिरा ना, तो कुछ ना कुछ उसके दिमाग में तो ब्रेन में डैमेज हुआ है। ओके ठीक है गाइस, अब ये सीधा पहुंचने वाला है स्कूल में। अरे एक मिनट, अरे वाह ये तो, अरे बाप रे सीधा टॉम सर खड़े, मेरे को उनके क्लास में नहीं जाना है गाइस। ये किसकी क्लास है, अरे बाप रे बेन की क्लास, बेन से। बाप रे इतने लोगों को क्या पढ़ा रहे हो भाई बेन, मैं भी कुछ सीख के जाऊंगा। एक मिनट आलोक तो वहाँ पहुंच गया, और गाइस वहाँ बेन के साथ कुछ तो बहुत खतरनाक हो रहा है। टेंशन नहीं अपन अभी जाके देखेंगे, लेकिन उसके पहले अपन सोच रहे हैं कि अपन खुद भी उधर पहुंच जाते हैं, ताकि आलोक के साथ बेन की क्लास चलते रहे और अपन भी दूसरी जगह जाके क्लास ले ले भाई। और मैं सोच रहा हूँ शायद एंजेला की क्लास ले लूं। मास्टर आपको तो पता ही है मैं आपके बिना नहीं रह पाता हूँ, एक
एक मिनट, तू यहाँ कैसे पहुँच गया? मैंने बताया ना, जहाँ आप मैं वहाँ। अच्छा ऐसा है क्या? मैं सोच रहा था कि मैं हैंग की क्लास ले लेता हूँ। अरे मास्टर अपना डिसीजन कभी बदलना नहीं चाहिए, जो सोच लिया वो सोच लिया। हाँ बेटा गाइस देख रहे हो, मतलब ये सोचता है कि ये इतना शाणा है कि अपन इसकी शाण पत्ती नहीं पकड़ सकते। ये सब क्या बोल रहे हो तुम? मैं तो सिर्फ और सिर्फ इतना ही जानता हूँ कि मुझे जाके पढ़ाई करनी है। अच्छा ठीक है मेरे होनहार चौप, एक बात बता दे मेरे को कि लास्ट टाइम तू स्कूल कब गया था? मैं पिछले जीवन में गया था, इस जन्म पे ना ही गया हूँ मैं, इसलिए तो मैं और एक्साइटेड हो रहा हूँ। ऐसा है क्या? गाइस अभी ना एक प्रैंक करते हैं छोटा सा। अच्छा चौप, अभी ना मेरे को जस्ट पता चला है, उड़ती खबर आई है। ठीक है? उड़ती मुझे तो कोई खबर नहीं दिखी, वो चिड़िया है क्या? अरे भाई उड़ती खबर का मतलब ऐसे एक्चुअली में उड़ती नहीं आती है, मतलब वो ऐसे बोलने का एक तरीका है। ठीक है, पर तुझे क्या ही पता होगा? वही तो, मैं तो चौप हूँ। अरे खबर तो सुन ले, हो सकता है उसके बाद तेरी ये जो मुस्कान की चमकान है वो जा सकती है। अरे बता, मतलब मत बताओ भाई। हाँ नहीं बताना तो पड़ेगा मेरे को। उड़ते उड़ते एक खबर है, जैसे स्कूल में कभी कभी वो टीचर एब्सेंट हो जाती है ना, तो वैसे ही यहाँ पे एक टीचर एब्सेंट हो गया और उस टीचर का नाम ना एंजला है। अरे वो टीचर एब्सेंट होगी, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? जब बच्चे पढ़ने आ रहे हैं तो मैम कैसे ना ही आ रही है? अरे एक दिन हो जाता है चौप, ऐसा छोटी मोटी चीज होती रहती है। इसका मतलब वो मुझे ना ही पढ़ाएगी क्या? हाँ यार चौप, अब क्या करेगा तू जाकर? अरे तो फिर एक काम करो, मुझे वापस घर छोड़ के आजा भैया। अरे भाई इतने दूर में वापस नहीं जा सकता हूँ, बहुत दूर से आए अपन। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं ना, अपन एक बार स्कूल जाके देख सकते हैं, हो सकता है ये उड़ती खबर गलत हो। अरे भाई पक्का इस खबर को गलत होना ही पड़ेगा, वरना मेरे साथ बहुत दिक्कत हो जाएगी मास्टर। अच्छा ठीक है चौप, देख ज्यादा चिंता वाली बात नहीं है, चिंता वाली बात सिर्फ एक ही है कि अगर गलती से तू टॉम की क्लास में घुस गया तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। अरे टॉम की क्लास में मैं क्यों घुसूंगा भला, और घुस भी गया तो मुझे नहीं उसे प्रॉब्लम होगी। अच्छा ठीक है भाई ठीक है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी गाइस अपन फिलहाल चलते हैं स्कूल के अंदर और वहां जाके देखते हैं कि सीन कैसा हो रखा है। ओके लेट्स गो। अरे वाह हम तो स्कूल, अरे बाप रे ये सामने ही खड़ा है। हाँ वो तो, अरे ये रही तो बेन की क्लास है भाई, एंजेला की क्लास का है? रुक जा पूछने दे मेरे को, ये तो हैंग की क्लास है भाई, इससे पूछते भाई। टॉम एक बात बताए, एंजेला की क्लास किधर है? इस वाले डोर के पीछे है। ओ भाई गाइस चलो एंजेला की क्लास पे चलते हैं। अरे मास्टर मुझे छोड़ के चले गए, मास्टर मैं आ रहा हूँ। ए तुम रुको। अरे प्लीज मुझे जाने दो टॉम, मैं माफ करना, मैं जा रहा हूँ। मास्टर। ओ भाई वो खड़ी है एंजेला, लेकिन चौप। मास्टर एक बात बता, इसकी क्लास बाहर क्यों है? अरे भाई ये क्या सिखा रही है ये तो पूछ मेरे से। क्या सिखा रही है भाई? ये डांस सिखा रही है, इसलिए इसकी क्लास बाहर है। डांस क्लास सिखा रही है भाई, मेरे को नहीं सीखना डांस, मैं जा रहा हूँ। अरे मास्टर प्लीज मुझे देख, सीखना है भैया। देखना है कि सीखना है? I mean दोनों ही। अच्छा ठीक है, सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए सीख रहा हूँ मैं, ज्यादा देर नहीं सीखूंगा। अच्छा ठीक है भाई ठीक है। गाइस अपने को एकदम सेम टू सेम इसके जैसा करना पड़ेगा, वरना ये हमारे मार्क्स काट देगी। देखते अपन सेम टू सेम कर भी पा रहे या नहीं। मास्टर देख के तो लग रहा है आप अच्छा कर रहे हो। हाँ भाई मेरे को भी लग तो रहा है, लेकिन फिर भी भाई मार्क्स ना काट दिए। गाइस देखते हैं एट द एंड अपने को कितने ग्रेड्स वगैरह मिलते हैं। वैसे डांस तो ठीक ठाक लग रहा है गाइस, आपको भी देखने में मजा आ रहा है तो एक लाइक मार दो। गाइस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी करना। ओ भाई मास्टर अब रुक जा भैया। अच्छा हाँ हाँ। ओ भाई गाइस अब ये मार्क्स देखिए, देखते हैं कितना। ओके गाइस इसने बोला है एक ग्रेड, ठीक है मतलब अपने को एक ग्रेड मिल गया। गाइस अब सब सही लग रहा है। ये लोग कितने गंदे हैं गाइस, मुझे छोड़ के भाग गए। एक काम करता हूँ मैं चाचा जी से पूछता हूँ। चाचा जी प्रणाम, थोड़े से आशीर्वाद मत दो। आपका आशीर्वाद नहीं मुझे मदद चाहिए थी, चलो हम दोनों साथ में करते हैं प्लीज। अरे वाह गाइस चाचा जी तो मान गए, लेट्स गो। एक काम करता हूँ चाचा जी के पीछे जाके बैठ जाता हूँ। चाचा जी लेट्स गो, बस पीछे से कुछ छोड़ना मत, नहीं तो मैं ही छूट जाऊंगा भैया। अरे चिंता मत करो, मैं कुछ खाता ही नहीं जो निकालूंगा। क्या बोल रही हो, मतलब अब कुछ नहीं खाती तो कुछ नहीं निकालते हो क्या? रिवा पहले बताना था, ये मैं अब चौप को बताऊंगा। अरे भैया मैं नहीं खाता हूँ तो भी निकल जाती है। अरे भाई चौप तू ना शांति रह, तो कुछ भी बोलता है बिना सर पैर की बात। बिना सर पैर की बात, आजकल बात के भी सर और पैर हो रहे हैं क्या भैया? तो फिर वो इंसान नहीं बन जाएगी क्या बात? अरे यार गाइस देखो, मैं ना एक समय तक चौप को झेल सकता हूँ, एक समय के बाद नहीं झेल पाता मैं।
आर्यन भाई मुझे लगता है कि सब चौक को एक समय तक ही झेल पाते हैं, उसके बाद सबको लगता होगा कि इसके मुंह पे लात मार के भगा दे। ऐसा नहीं है भाई, मैं अच्छा आदमी अच्छा डॉगी हूँ भाई। हाँ ठीक है, तू अच्छा डॉगी है मैं मानता हूँ, बस तू जो डॉगी एक्चुअल काम करते है ना वो छोड़ के तू सारे काम करता है। मतलब मैंने तेरे को जिसके लिए पेट बनाया था उसके तू काम आया और बस मेरी प्रॉब्लम्स बढ़ा रहा है। अरे मास्टर आप समझ नहीं रहे हो, जितनी प्रॉब्लम उतना अच्छा होता है क्योंकि वो आपको स्ट्रांग बनाएगी ना मास्टर। अरे भाई पॉटी साफ साफ कर करके मैं कितना स्ट्रांग बन जाऊंगा। अरे बहुत बन जाओगे, क्यों नहीं बनोगे। चुप चुप कर जा तू, अब मुझे गुस्सा आ रहा है क्योंकि ये सिलेंडर वाले चाचा जी एकदम कछुए जैसे चिल्ला रहे हैं यार। अरे बेटा कस के पकड़ के बैठो, अब मजा आएगा ये देखो। अरे ये क्या है यार, कछुए की स्पीड से थोड़ी सी बढ़ाओ, रुको मैं नाइट्रो छोड़ता हूँ, लेट्स गो। अरे बेटा ये क्या कर दिया। अरे भाई इसको क्या हो गया। अरे 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 ओके 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 ओके, अब शिनचैन लोग भी सीधा क्लास में आएंगे गाइस। अरे वाह फाइनली हम आ गए, ये तो बेन की है, मैं तो सीधा हैंक या टॉम के पास जाऊंगा, रुको पहले हैंक के पास जाता हूँ। अरे ये क्या सिखा रहा है। हाय हैंक, तुम क्या सिखा रहे हो इतने सारे अंकल आंटियों को। मैं ये सिखा रहा हूँ कि किसी भी बदबूदार जानवर के साथ कैसे पेश आते हैं। अरे बाप रे ये तो मुझे अच्छे से पता है क्योंकि मैं रोज एक बदबूदार जानवर के साथ रहता हूँ। मुझे पता है तुम मेरी बात तो नहीं कर रहे होगे, है ना। हाँ हाँ भाई तेरी नहीं कर रहा हूँ, अपनी बात कर रहा हूँ। गाइस एक काम करता हूँ, टॉम से पूछता हूँ। टॉम 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 वेयर इज योर जेरी। अरे भाई आराम से शिनचैन। टॉम तुम्हारी कहाँ है क्लास। मेरी क्लास यही है। तो तुम क्या सिखा रही हो। क्या टॉम क्या भाई, गाइस टॉम कुछ खतरनाक सी चीज सिखा रहा है। लेकिन 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 गाइस आज की वीडियो में तो इतना ही था, अगर आप भी देखना चाहते हो कि टॉम क्या सिखा रहा है तो मेरे को एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी गाइस वीडियो पसंद है तो लाइक करो, चैनल पे नए हो तो गाइस सब्सक्राइब जरूर करना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय।